आज शुक्रवार दिनांक 1 अप्रैल 2022 YouTube और Facebook लाइव 8:15 to 10:45 PM नई श्रृंखला ऐसे बढ़ता गया जिंदगी की राह पर एपिसोड 4 साक्षात्कारदाता ज्ञानेश महाराव संपादक चित्रलेखा साक्षात्कारकर्ता प्राध्यापक श्याम मानव। इस कार्यक्रम में दर्शक भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके सवाल लिए जाएंगे। आदरणीय और प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ज्ञानेश महाराव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, हमें 15 मिनट की देरी हुई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमेशा हम समय पर प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। आप सभी जानते हो कि YouTube चैनल अपना जो है वो 3 सालों से चल रहा है। इस चैनल पर 3,700 वीडियोज है, 3,21,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 3,50,00,000 व्यूज अब तक हो चुके हैं। और ये चैनल पर खास कर हम दो विषय हैंडल करते हैं, एक अंधश्रद्धा निर्मूलन और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास, मानवीय जीवन का विकास। ये जो मानवीय जीवन का विकास है, उसकी ये नई श्रृंखला है। इस श्रृंखला में अलग अलग व्यक्तियों का, उनके विकास का, उनके बढ़ने का, उनके संघर्ष का, उनके व्यक्तित्व का परिचय हो, इसलिए ये श्रृंखला शुरू की है, ताकि उनके जीवन के बारे में समझकर जानकर हमें प्रेरणा मिले। हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की डॉक्टर अभय बंग जी से। 2 एपिसोड्स हुए, एक 19 मार्च को, दूसरा 26 मार्च को। 25 मार्च को डॉक्टर छाया महाले, इनकी इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, हम सब लोग उनसे मिले। कल शनिवार 2 अप्रैल को कल्पना शास्त्री बिहार, इनके साथ में हम बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। हालांकि एक महाराष्ट्र की लड़की बिहार में जाकर जा बसी और उसके संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। ज्ञानेश महाराव जी को पूरा महाराष्ट्र बहुत अच्छे ढंग से जानता है। एक बहुत ही निडर, निर्भय, आक्रामक, सच्चाई के लिए बहुत अडिग रहने वाले पत्रकार, इस रिश्ते से सभी उनको जानते हैं। चित्रलेखा के संपादक है, ये महाराष्ट्र का मराठी का नंबर 1 का वीकली है। 32 सालों से वे इस चित्रलेखा से संबंधित है, संपादक कर उसको चला रहे हैं। चित्रलेखा का परिचय जनरली ऐसा होता है कि कोई भी संपादक उस मैगजीन के द्वारा, उस वीकली के द्वारा या फिर उस डेली के द्वारा जाने जाते हैं। यहां उल्टी स्थिति है, चित्रलेखा का परिचय ज्ञानेश महाराव जी के कारण है। ज्ञानेश महाराव जी के कारण ही महाराष्ट्र में चित्रलेखा पहचानी जाती है। 1960 में आपका जन्म हुआ, आप बहुत बड़े पत्रकार है, संपादक है, वक्ता है, नाटककार है, अभिनेता है, गायक है, लोक कला अभ्यासक है, सामाजिक राजकीय विश्लेषक है। आपके पत्रकारिता की शुरुआत साप्ताहिक विवेक से हुई, 4 साल आप सह संपादक इस रिश्ते से विवेक के साथ में जुड़े थे। विवेक ये आरएसएस की एक विचारधारा का वीकली है। आप एक बहुत ही निर्भय, आक्रामक, तार्किक, बुद्धि प्रामाण्यवादी लेखन के लिए जाने जाते हैं। आजकल ये आपका लोकप्रिय कॉलम है, आप विविध विषयों पर लेखन करते हैं। 20 से ज्यादा आपने किताबें लिखी हैं, उसके आप लेखक हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध किताबें, देवा धर्माचार नावान, उत्तर क्रिया, भक्त राष्ट्रभक्तांसाठी, हिंदू हिंदुत्व हिंदुस्तानी, लोकशक्ति, गर्जे शिवरायांची तलवार, ये खास किताब है जिसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से महाराव जी से चर्चा करेंगे। जेम्स लेन ने जो शिवाजी महाराज और जिजाऊ माता के बारे में लिखा था, और बाद में आंदोलन हुआ, सरकार ने इस किताब पर बंदी डाली, इस आंदोलन से संबंधित ये किताब है।
ज्ञानेश महाराव जी केवल बुद्धि प्रामाण्यवादी लेखक नहीं है, तो बहुत अच्छे कलाकार भी है और बहुत अच्छे नाट्यकार भी है। जिंकू या दाही दिशा और संगीत घालीन लोटांगण, ये उनके दो नाटक बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने कलाकार कर भी काम किया है। 300 से ज्यादा प्रयोग महाराष्ट्र में और गोवा में हो चुके हैं। अभी संगीत संत तुकाराम, शिवाजी महाराज और संत तुकाराम जी की जो भेंट है उसके आधारित पर ये संगीत संत तुकाराम नाम का नया नाटक है। ये नाटक के प्रयोग अभी शुरू है। संगीत सौभद्र, इस नाटक में महाराव जी ने नारद जी की भूमिका की थी। उनको पत्रकारिता के कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, 11 से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वे दो सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके हैं, समतावादी साहित्य सम्मेलन 2011 में और प्रबोधनवादी साहित्य सम्मेलन 2012 में। महाराष्ट्र का हर जागरूक विचार करने वाला व्यक्ति ज्ञानेश महाराव जी को जानता है, एक पत्रकार इस रिश्ते से, वक्ता इस रिश्ते से और एक एक्टिविस्ट इस रिश्ते से। पत्रकार होना, वक्ता होना ये अलग बात है और एक्टिविस्ट होना अलग बात है। बहुत कम पत्रकार या फिर वक्ता एक्टिविस्ट होते हैं, उनमें से ज्ञानेश महाराव जी एक है। दर्शकों में महाराष्ट्र के बाहर के कई देशों के हिंदी जानने वाले, करीबन 50 देशों से ये कार्यक्रम सुना जाता है। हमको ज्ञानेश महाराव जी का परिचय इस बहाने प्राप्त होगा। हम उनको सुनना चाहेंगे, देखना भाई चाहेंगे। बिल्कुल भाई, ज्ञानेश महाराव जी, मुझे आपसे विनंती है कि आप हिंदी में, आपको बोलना है सहजता से बोलिए, भाषा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, बीच बीच में मराठी भी चल सकता है। आप बहुत अच्छे भाई वक्ता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल जाएगी। भाई, बड़े मैं भाई काई नहीं बड़े है यार, आराम से सह लेते हैं, तो इसलिए आपका लावट है भी आपको, चिंता लावट है। करने का कोई कारण नहीं है। मैं बोलते हो वो सुनाई देता है महाराव जी। दूसरी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत आराम से आपको बोलना है। संगन 2.5 घंटा हमारे पास उपलब्ध है, उसके बाद भी 15 मिनट का समय हम ले सकते हैं, यानी 11 बजे तक ये प्रोग्राम चल सकता है। जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? इतने आयकर है इतने। क्षितिज, महाराव जी को सुनाई नहीं दे रहा है। सगळेच आवाज वाढवत मीडिया काय जायचं, कसं जायचं आता मी कसं जाऊ? हाँ महाराव सर को थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, मानव सर आपकी वो थोड़ा क्यों, क्या हो गया, एकदम से देखिए डिस्टर्ब ना बज क्या रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम है। मित्रों, थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है, महाराव जी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं क्या पूछ रहा हूं उनको सुनाई नहीं दे रहा है। किरण, किरण आपका मोबाइल शुरू करिए। हाँ मैंने किरण जी को लिंक भेजी है। हाँ किरण जी, आप मोबाइल शुरू कीजिए। ज्ञानेश महाराव जी सर, का आवाज आ रहा है? क्षितिज, हाँ आपका आवाज आवाज हालांकि आई क्षितिज, इतना ही है। हाँ जी,
किरण जी, मेरा आवाज आपको आ रही है? तो आपका आवाज बड़ा कीजिए, ज्ञानेश महाराव जी के सामने आपका फोन रखिए स्पीकर पर, मैं सवाल उस पर पूछता हूँ। हाँ क्षितिज, ज्ञानेश महाराव जी का आवाज आपको आ रहा है? जी जी वो एयर हो रहा है जी। हाँ क्षितिज, ठीक है, मैं सवाल अभी डायरेक्टली पूछता हूँ फोन पर। हो ये तो है महाराव जी, आपको अभी बोलना है, मैं सवाल पूछूंगा, उसके सवाल आपको मोबाइल पर पूछूंगा, आपको डायरेक्ट बोलना है। नहीं नहीं तुम्हें बोला था मैंने। हाँ ठीक है, फोन पर बोलूं या सीधा बोलूं? हाँ, बोला। हाँ महाराव जी, पहला सवाल यह है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता क्या करते थे, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई, और स्कूल में आपके जो शिक्षक थे उनका आप पर कितना प्रभाव है, माता पिता जी का कितना प्रभाव है? मेरा जन्म बंबई में ही हुआ है। बंबई में मैं वर्ली रहता था और वहाँ ही मेरे माता पिता जी रहते थे, वही मेरा जन्म स्थल है। और मेरा प्राथमिक शिक्षण जो है पहली से चौथी तक वो महानगर पालिका का स्कूल है उसमें ही हो गया। बाद में मैं वहां से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद मैं 10वीं तक छबिलदास कॉलेज स्कूल में था दादर में। 8वीं के बाद मैं टेक्निकल का विद्यार्थी हूँ। टेक्निकल से मेरे को इतना अलग अलग कलाएं मुझे सीखने मिली, एक तो टर्निंग था, फिटिंग था, इंजीनियरिंग ड्राइंग था, ड्राइंग था और स्मिति था। तो इलेक्ट्रिक तभी तभी के इसमें 75 में इंजीनियर बनना तो बहुत अच्छा लोगों का ड्रीम था। तो मैं इसलिए मुझे टेक्निकल के लिए मुझे मैं छबिलदास में दाखिल किया था, वो दादर में स्कूल था। और उसमें जो सिलेक्टेड जो बच्चे थे स्कूल में जो अच्छा ही जिनकी पढ़ाई होती थी उसमें मेरे को चांस मिला 8वीं 9वीं और 10वीं में। लेकिन मैं 10वीं में फेल हो गया क्योंकि मेरा मन जो है वो साहित्य में ज्यादा रहता था, जो साइंस और बाकी का जो अपना टेक्निकल या एरिथमेटिक जो बीजगणित है उसमें मेरा ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए मेरा मैं 10वीं में फेल हो गया। एक बार हो गया, दो बार हो गया और बाद में वापस मैं तीसरी बार मैं 10वीं में पास हो गया। क्योंकि मेरा जो बेसिक था वो लिखना में ज्यादा, लिखना सुनना साहित्य में मेरा ज्यादा अट्रैक्शन था। लेकिन पिताजी थे उनको तो मेरे को 1975 साल था वो, तभी उनका दिमाग में तो इंजीनियरिंग बनाना था और उसने बोला था कुछ भी हो जाएगा तो चलेगा लेकिन इंजीनियर ही आप बनना मानता है। इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन वो मेरा अट्रैक्शन वहां बाजू नहीं था। इसलिए मैं वहां से थोड़ा थोड़ा मेरा कम हो गया, लेकिन जो अलग कलाएं है जो स्मृति है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वो आज भी मेरे हाथ में है अच्छा। और लिखने का जो मेरा बेसिक था वो मेरा लिखना यानी अक्षर जो था, जो राइटिंग था वो बहुत अट्रैक्टिव था, यानी जो रीडेबल था ज्यादा अच्छा, और उसको एक स्टाइल थी। और मैं कहाँ भी जब भी लिखते थे मैं ऐसे लिखता था और कुछ व्याकरण के बारे में लिखता था, तभी मैं 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक मेरा जो ऐसे था वो स्कूल में लगता था शोकेस में। लेकिन फेल होने के बाद वापस मैं 11वीं पास हो गया, तब भी 1977 में मेरे पिताजी गुजर गए। वो हम जो फैमिली था, जो हम 6 brothers और 2 sisters हमारे थे, बहुत बड़ा फैमिली था। मेरी माँ उसने हमें बहुत बड़ा सिखाया, अच्छा अच्छा उसने पढ़ाया, दुनिया देखने को लाने के लिए जाने के लिए उसने हमेशा हमें साथ दिया और उसका बहुत असर पड़ा। और लेकिन फादर और मदर दोनों भी सोशल अटैचमेंट वाले थे। फादर तो तभी के जो अच्छे अच्छे बड़े नेते थे, जो कामगार कामगार मूवमेंट में काम करते थे, सोशल मूवमेंट में काम करते थे,
और खुद वो अच्छा टेक्नीशियन थे, मिल लाइन का जब क्लॉथ का मिल था उसमें वो सुपरवाइजर करके थे, तो उसका कामगारों के बारे में बहुत उसको नजदीकी लगती थी। और माँ जो थी, माँ को जो पढ़ाना पढ़ाने के लिए जो भाऊराव पाटिल था हमारे महाराष्ट्र में, जो सोशल रिफॉर्मिंग का एजुकेशन में काम किया, वो जिसने रयत शिक्षण संस्था स्थापन किया, वो जो भाऊराव पाटिल था उसने मेरे माँ को सिखाया है 5वीं 7वीं, और बाद में उसको जब भी टीचर बन गई तभी प्राइमरी टीचर कोर्स नाम का था, यानी पीटीसी, अभी तो ऐसा डीएड है, तभी वैसा दैट टाइम वो प्राइमरी टीचर कोर्स था। उसने 44 के बाद में 47 तक वो सीखी और 1948 में वो टीचर का काम किया और लास्ट में 85 में वो रिटायर हो गई एज ए हेडमिस्ट्रेस करके। और अभी एक साल ही हो गया मेरी माँ गुजर गई, उनका मेरे के ऊपर बहुत असर है। अभी स्कूल में जो मैं पढ़ा था कि जो मैं टीचर लोगों का कुछ असर मेरे के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि जो जो एजुकेशन था वो जनरल एजुकेशन था, एडिशनल कुछ नहीं थे। एडिशनल हम टेक्निकल करके सीखते थे तो वो एडिशनल था, तो ऑटोमेटिक टेक्निकल लाइन में जाने के बाद एक दिमाग में जो सीधापन आता है, हर बारे में हम रीजन ढूंढते हैं ऐसा क्यों, कैसा हम समझो स्मृति का काम रहेगा, तो टेम्परामेंट कैसा बढ़ाने का, कौन से टाइम पे उसको लिक्विड हो जाता है लोहा का, ये छोटे छोटे बात का वो साइंटिफिक है, वो मुझे ज्यादा नजदीक आ गया। और बाद में मैं पिताजी गुजर जाने के बाद मैं तो स्कूल छोड़ा और जहाँ पिताजी काम करते थे वो जो प्रकाश कॉटन मिल नाम का एक मिल था वहां मैं काम करने को लगा। और जब भी पिताजी गए वो बहुत उसने सर्विस कंटिन्यू कभी किया नहीं, महाराष्ट्र में बंबई में जो 63 मिल्स थे उसमें से 45 इसमें वो काम कर चुके थे, 7-8 महीने के बाद छोड़ देते थे, बाद में दूसरे उधर उनको ऑफर आता था, अच्छा अच्छा पगार लेके वो आगे आगे जाता था। कभी उनका कामगारों की बाजू लिया इसलिए मैनेजमेंट के साथ झगड़ा होता था। जब भी पिताजी गुजर गए तो उसने उसका कुछ बाकी नहीं था, जैसा पीएफ बोलो सर्विस बोलो कुछ भी नहीं था, लेकिन कामगारों ने हमें 1-1 रुपए जमा करके, जो प्रकाश कॉटन मिल का था उसने 1-1 रुपए जमा करके तभी का 3,000 रुपया वो जमा करके उसने दिया, और वो जो मालिक था उसने 2,000 रुपए करके 5,000 रुपए दिया था। उसका आज का कीमत बोलेगा तो लगभग 55 लाख है, तभी का 5,000 में हम जहाँ रहते थे बिरडी चाल में, तभी 5,000 इसमें वो रूम मिलती थी 10x15 की, अभी उसका जो कीमत है वो 55 लाख रुपए। इसलिए मैं 55 लाख आज के बारे में बोला कि 55 लाख उसमें तभी दैट टाइम जमा करके दिए थे हमको अच्छा ढंग से पढ़ने के लिए कुछ सब करने के लिए। मैं उधर वो क्लेरिकल का काम करता था और 3 साल में जो जब मिल स्ट्राइक हो गया तभी बंद हो गया। बाद में मैं लोगों को जो हम उसने उन लोगों ने हमें दिया वैसा कुछ हम रिटर्न देना मांगता है, इसलिए मैं उनका सीडीएस का कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम जो अल्प बचत का पैसा था वो लेने के लिए कोशिश किया, और दैट टाइम जो मालिक का अधिकार है वो मैं कामगारों को दे दिया, और उनके ताकत में वो कामगारों को तभी दैट टाइम 30 लाख रुपया उसको कामगारों का बंटवारा हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा उनको पैसा मिला, 2-3 पेमेंट उनको मिला। इसलिए मालिक बोला कि सब आपको सबको लेगा लेकिन वो महाराव का छोकरे को हम लेगा नहीं, तो उसने हमें जो स्ट्राइक है वो ज्यादा बढ़ गया, वो 3,000 में से 27,000 लोगों को 2700 लोगों को मैं वो पेमेंट दिया था। तो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि सीखना जरूरी है, हम यहाँ ही ऐसा रहेगा तो चलेगा नहीं, इसलिए मैं वापिस कॉलेज ज्वाइन किया। और सेम टाइम मैं थोड़ा थोड़ा पेपर में खत लिखता था कि जैसा लेटर होता है रीडर्स का, रीडर्स लेटर्स, एक टाइम महाराष्ट्र टाइम्स में मैं लेटर लिखा वो उसने अपना आर्टिकल करके छप गया, तभी तो मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और बाद में मैं जर्नलिज्म सीखा, थोड़ा सा एक छोटा सा कोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया का और एसएनडीटी का, दोनों का मिलके एक कोर्स था, वो 45 दिन का मैं कोर्स किया। और विवेक साप्ताहिक जो है आरएसएस का, अभी बहुत लोगों को का एक ऐसा महाराव उधर है ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसा कुछ इज्म नहीं था
आज भी नहीं है। कौन सा इज्म एक ही है कि हम रैशनल, ह्यूमन इज ए रैशनल एंड सोशल एनिमल, यही इज्म मेरे दिमाग में तभी भी था, आज भी है। वो ढंग से मैं काम करने लगा तो पहला चित्र विवेक साप्ताहिक में मैं 4 साल काम किया, और सेम टाइम जब भी मैं विवेक में था तभी मैं सिंडिकेशन सर्विस चलाया था। सिंडिकेशन मीन्स एक आर्टिकल है वो 10-12 पेपर में छप के आएगा, ऐसा तरह का। मैं अक्षरदूत नाम का एक सिंडिकेशन था, मैं और विवेक मेत्रे था, वो 2 साल चलाया। उसमें से और कुछ बहुत लोग हमें मिल गए जो राइटर्स थे अच्छे, वो एक ही था उसमें कि जो अच्छे राइटर है वो खाली इधर का जो बड़ा पेपर है जो महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता और कोई पेपर, दैट टाइम का तभी दो ही था, तभी दो ही पेपर में बड़े लोग लिखते थे क्योंकि उसका जो सेल था वो ज्यादा था। हमने किया कि चलो महाराष्ट्र में इतने 31 डिस्ट्रिक्ट है आज, तो तभी 26 डिस्ट्रिक्ट था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेपर बड़ा रहता है। जैसा अकोला में मातृभूमि था और देशोन्नति था, नासिक में देशो सार्वमत और देशदूत नाम का था, वो किधर अजिंठा नाम का था। तो थोड़ा थोड़ा नंबर्स थे, वो सबको इकट्ठा करके हम नंबर्स जमा करके ऐसा लगा कि वो महाराष्ट्र टाइम्स और लोकसत्ता से ज्यादा है नंबर, 3.5-4 लाख लगभग। तो उनको हम राइटर को बोलते थे कि लोगों तक जाने के लिए आपका, हमारा सिस्टम अच्छा है, हम पेमेंट भी अच्छा देगा आपको। जो महाराष्ट्र टाइम्स में जो पेमेंट मिलता था उसे हम डबल ट्रिपल पेमेंट देते थे। और ज्ञान लोगों को देना, ये दिमाग में पहले से ही था, लोगों को गलत बताने का नहीं, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा सोचो, इस ढंग से। मैं तभी तभी 27 ईयर का था, लेकिन तो भी मैं विवेक साप्ताहिक में काम करता था तभी, दैट टाइम वो भी काम किया। तभी आज के जैसा पेमेंट इतना ज्यादा नहीं था पत्रकारों का, लेकिन मैं छोटा एक शाम के टाइम, जैसे हम पत्रकार लोग आज भी है जो प्रेस क्लब में बैठते हैं बिना बिना शुरू करते हैं, और कुछ हमें उसमें टाइम नहीं पास किया। मैं 85 से एक जो कौन सा मैं एजेंसी में या अपना संस्था में काम किया नहीं है, लेकिन दैट टाइम मैं जो बीएमसी का जो 4 क्लास वर्कर थे, वो जो वेलफेयर सेंटर था वो मैं 130 रुपया पेमेंट में मिलता था, और तभी 130 रुपये मेरे को वो जरूरी भी था। उधर में जाके मैं उनको सोशल और वेलफेयर का काम करते थे, 2-2 घंटा दर दिन में जाने का, और 5 साल में किया, और सेम टाइम में डेक का कॉलेज भी किया और ग्रेजुएशन में पूरा भी किया। 24 साल में मैं ग्रेजुएट 12वीं का पास हो जाने के बाद, 12th पास हो जाने के बाद जो का एक किया, तो जब जर्नलिज्म में था विवेक साप्ताहिक में, अभी सचिन तेंदुलकर है उसके जो फादर थे, वो फादर है, वो मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार और प्राध्यापक थे, वो मुझे पढ़ने के टीचर करके भी थे कॉलेज में, और वो मैं उनका एडिटर करके था। तो इसमें पहला सोचा कि अपने को मराठी में ग्रेजुएट होने का नहीं है, तो मैं और ज्ञान अपना नॉलेज मिलाने के लिए मैं ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट में ग्रेजुएशन हो गया। और मैं ग्रेजुएट होने के बाद मेरा उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तो मेरे को एमए करने का था, तभी रूरल डेवलपमेंट में इतनी किताबें नहीं थी, किताबें लिखने का था, लेकिन जो मुंबई मराठी, मुंबई का जो यूनिवर्सिटी है उसका अटैचमेंट मणिभवन से था, गांधी जी ने स्थापन किया जो मणिभवन है, उधर रूरल डेवलपमेंट के लिए उधर एमए करने के लिए वहां जाना पड़ता था। दैट टाइम उधर उषा मेहता नाम का इंचार्ज थे, मैडम जो था उषा मेहता, जिसने 1942 में जिसने चले जाओ जो आंदोलन हुआ उसमें भूमिगत करके जो जिसने रेडियो चलाया और कुछ काम किया, वो तो उधर इंचार्ज थे। उसने मुझे बोला कि आपको ग्रामीण विकास में एमए क्यों करने का है, तो मुझे बोला, मैं बोला कि मेरे को राइटिंग करने का है, कुछ अच्छी किताबें लिखने के, मतलब किताबें बहुत कुछ लिखेंगे, आपका ये जरूरी नहीं है, आप जर्नलिज्म करो। और दैट टाइम उसने बोला कि आप जर्नलिज्म करो, इतना आप अच्छा जर्नलिज्म करेंगे कि आपके लोग ऊपर किताब लिखेंगे। और मेरे को, मैं जब चित्रलेखा में आने के बाद 1989 के बाद मैं 10-12 साल में जो शुरू में जो काम किया उसमें से, उसके बाद जो एमए अपना मास कम्युनिकेशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, दो ने तो अभी चालू भी उनका है डॉक्टरेट के ऊपर जो काम प्रबंध कर लिखते हैं, उसमें भी मेरा जो जर्नलिज्म के बारे में लिखा है और बहुत लोगों ने उसके बारे में अच्छा लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा जो एम था जर्नलिज्म में आने का,
वो पूरा हो गया, तो बैकग्राउंड ऐसी है और ऐसा पकड़ के यानी ऐसा कुछ धैर्य करके कि हमें यही करने का है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं किया है, कि एक जो सीखने का और लिखने का और बोलने का जितना काम है वो ढंग से करने का, अच्छा ढंग से करने का, ये एम में रखा। और जो घटना घटी, जो घट गई उसके ऊपर मैं हावी हो गया, और जो लोगों को अच्छा से अच्छा कैसा पढ़ने को मिलेगा उसका मैं कोशिश किया। हाय आती है, मैं मोबाइल से सुनाई देती है। अच्छा मोबाइल से, मैं जो किरण साहब है उनका मोबाइल से मैं सुनता हूँ। अच्छा ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कौन से विषय में किया उसका विषय भी कहिए, और उसके साथ में जनरली ऐसा होता है कि मराठी में एक कहावत है कि मुलाचे पाय पायण्या दिसतात, तो ऐसा आपके बारे में हुआ था क्या कि आप इतने क्रांतिकारक व्यक्ति, इतने एग्रेसिव व्यक्ति, इतने बुद्धि प्रामाण्यवादी व्यक्ति आके जलकर बनोगे? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण तो ऐसा ही होता है कि जो लोग कहते हैं, आसपास के लोग जो लोग बोलते हैं, उस वातावरण में अलग ढंग के विचार आपके बनने के लिए कौन सी चीजें आप समझते हो महत्वपूर्ण थी? मुलाचे पाय पढ़ना, जो पाव अपना बच्चा, बच्चापन में जो कुछ अलर्टनेस है क्या, वो थोड़ा था, थोड़ा सा तो था, क्योंकि मैं भाई लोग जो हम सिक्स ब्रदर है उसमें मैं तो बड़ा था, मेरे से दो बहन ही बड़ी थी। मेरे जो दादाजी थे यानी फादर के फादर, वो जो था उसने हमें बहुत कुछ सिखाया था, ज्यादा से करके अध्यात्म के बारे में। वो खुद वारकरी संप्रदाय के थे, हमें अलग अलग जगह लेके जा कीर्तन प्रवचन को लेके जाते थे, लेकिन उसने उन्होंने हमें हरिपाठ सिखाया, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक सिखाए, भगवत गीता का 13वां अध्याय ऊर्ध्व मूल मदक्षाकम जो है, जो पुरुषोत्तम अध्याय, वो भी उसने सिखाया। लेकिन वो ही खुद क्रांतिकारी थी, वो जहां लेके जाते थे, जब भी जो कीर्तनकार, अभी तो सब टीवी वाले जो है, बुआ बाबा सब बहुत कुछ है, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो जाते थे तभी, दैट टाइम दो दो तीन तीन लाख के सप्ताह होते थे, यानी लोग बैठते थे तभी 7 दिन, 9 से 11 में 2 लाख 3 लाख इतने पब्लिक आते थे, और वो खुद आते थे, यानी ज्ञानेश्वरी का उनका सप्ताह चलता था, प्रवचन अपना, ये और उधर जाते थे तो हमें लेके जाते थे, तो हमें थोड़ा सा अट्रैक्शन लगता था कि नहीं वो भी कैसा है जो गाते हैं, अभंग बोलते हैं, निरूपण करते हैं, ऐसे बात हम भी कर सकते हैं, उसका हम जरा थोड़ा सा नाटकबाजी भी करके दिखाता था उससे हमको सुनने के बाद। लेकिन उनका क्रांतिकारी का था, वो बोलते थे कि हमने कुछ वारकरी संप्रदाय होने के लिए हमने सब छोड़ दिया, यानी मांस मच्छी खाना, तो बोले तुम्हें आपको जरूरत नहीं है। मैं एक दिन उनको बोला कि वो वारकरी संप्रदाय में जो बजाने वाले होते हैं जिसको टालकरी करके बोलते हैं, तो हमें वैसा बनाने का है, मेरे को गला में माला डालना है, टोपी करने का है। तो उसने मुझे एक दिन बहुत ठोका, बोला तुम दूसरा कुछ भी धंधा करो लेकिन ये बात मत करो, क्योंकि उनका मतलब है कि तुम कहाँ क्यों जाते हैं, हमने ज्ञानेश्वरी हमने पढ़ी, हमें प्रवचन पारायण करने की जरूरत थी, तुम वो साहित्य अंग से देखो, तुम वो संस्कृत का ओरिजिनल देखो, उसके ऊपर अभ्यास करो, एमए करो, और उसको आप विचारों के लिए उपयोग करो, ये जो बुआबाजी करने के लिए जिसको कुछ काम नहीं है उसने जाके वो हवपा बनने का और वारकरी का, उससे सीखो, हमें हमें सीखने को नहीं मिला है, तुम पढ़ो, अच्छा पढ़ाई करो, हर हर लफ्ज का, जैसे ज्ञानेश्वर ने कुछ लिखा होगा उसके आगे जाओ सोचो आज की तारीख में, तो वो क्रांतिकारक थे ऐसा मुझे लगता है, कि उसने जो रियलिटी बहुत अच्छा बनाई। हमारी एक जो आंटी थी, उसके बजने के बाद जैसा हम आरतिया करते हैं, तो बजने के बाद उसके क्या गा आ, आ, जिसको आपने भूत उतारते ना, अंगा टेढ़े लगा है मंटा शब्द का है हिंदी में क्या है, हाँ, शरीर में आना। हाँ शरीर में आने का बात करती थी, तो मेरा जो दादाजी था वो तो बोलता था ये नाटकबाजी है सब, अभी मैं उनको बंद करके देता था, उसको एक्चुअल उसकी तो बहू थी, लेकिन वो बोला कि उसको पानी, तुलसी की पानी करने के बाद वो जाता है, बोला कि एक दिन मत दे दो कुछ, खुद जाएगी बराबर, सीधा ढंग से जाएगी,
तो उसका बारे उसने 8 9 साल के हम थे उसमें उसका जो उनका सोच है वो जो वैज्ञानिक थे वो ओपन नहीं कर पाते थे, बोल नहीं सकते थे उसका जैसा आप जैसे एक ऐसा झूठ है बताते हैं वो साइकोलॉजिकल कैसे आज बताते हैं वो उनको बताने को आता नहीं था, लेकिन एक गलत है ये सब हमेशा बोलते थे। और इसके इसमें पाले में पढ़ने का नहीं आपने, इसके आगे जाने का। और वो हमने एक ने अडॉप्ट नहीं किया, हमारे घर के सब भाई है, माँ तो थी पहले से ही, फादर थोड़े कम थे, लेकिन जो भाई लोग जो है उसको मालूम है कि ये सब झूठ है, उसका कारण हमने रीजन ढूंढना मांगता है। तो बच्चापन में सब हम एक ही साथ वैसे ही सोचते थे, 8 भाई जन थे जो सब, तो सोचिए हमारी अच्छी थी, तो उसका असर पड़ना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन असर एक जो पड़ा, जो हम बदली में जा रहे थे वह सामने जामोरी मैदान था, उधर अच्छे अच्छे लोग आते थे, जैसा कभी के कॉमरेड डांगे का भाषण सुनना पड़ मिलता था जामोरी मैदान में, जो उनका जो मूवमेंट चलता था कामगारों का, तभी एसएम दोषी वहां आते थे, पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होती थी वो सामने घर के सामने ही था। तो बाला साहेब ठाकरे था, शरद पवार थे, यशवंतराव चव्हाण थे, अपना मुरारी गोरे था, तो हम छोटे थे लेकिन सुनने की एक आदत थी कि ये लोग बोलते क्यों ऐसे, सोचते क्यों है, क्यों ऐसे बोलते थे। कभी का तो जिस बारे में मैं लिखा वो तो नहीं है, लेकिन उनका एक बोलने का तरीका हमें अडॉप्ट कर दिया, वो एक था। दूसरा जो था वो कल्चरल प्रोग्राम उधर ज्यादा होते थे, उधर वेलफेयर सेंटर था तो वेलफेयर सेंटर में भी होते थे, जैसा शायरी साबड़े थे, अमर शेख कला पार्टी जो थी जिसने सोशल रिफॉर्मिंग का काम किया, तो शायरों का एक असर पड़ गया। तो उसका एक सुनने का यानी कल्चर पॉलिटिकल सोशल और घर में से जो दादाजी था उसमें कीर्तन प्रवचन वारकरी संप्रदाय, जो आज जो वारकरी संप्रदाय जो दिखता है वो मैं तभी नहीं देखा, कि जो पढ़ने वाला जो कहने वाले थे जो महानुभाव थे जो कीर्तनकार थे प्रवचनकार थे वो तो पैसे भी नहीं लेते थे, वो जाने आने का खाली खर्चा होता था, और वो जो एजुकेटेड थे मुझे मालूम है जो एक निवृत्ति महाराज देशमुख था वो एमए सीखा था, उसका पढ़ाई हुआ थी हो गया था दैट टाइम, वो शेलार मामा नाम का था, वो तो 7वीं पढ़ा हुआ था, महाराष्ट्र विधानसभा के जो चीफ थे यानी प्रेसिडेंट थे बालासाहेब भारदे, उसका मैं कीर्तन सुना है, विश्व पागे जो महाराष्ट्र परिषद के सभापति थे वो भी शाम को आके प्रवचन देता था, तो वो लोग अलग थे। अभी जो जैसे स्कूल निकला है कीर्तनकार बनो पत्रकार बनो और कुछ बनो, तभी बनने की बात नहीं होती थी, वो तो बन जाते थे, तो उसका असर पड़ा, उसमें लाइवनेस बहुत था, तो उसका छोटा थोड़ा थोड़ा असर होके मुझे लगता है कि एक भाषा की एक अट्रैक्शन हो गया मराठी भाषा का, और बाद में इतर भाषा जो भाषा है वो भी समझने को आने लगा, और विचारों की एक बैठक पक्की बन गई। तभी मैं बच्चा था तभी सुना था का जप जप तप कर्म क्रिया विन धर्म, समझा कि नहीं, ए जब जप ये झूठ है, ए तभी हरिपाठ में जो था उसका एक्चुअल अर्थ समझने की कोशिश की और कंटिन्यूटी हमने रखा। तो पिताजी जाने के बाद 17 साल तभी था मैं, और सब भाई लोग छोटे थे पैसा ही नहीं था, तभी माँ ने संगे बोला बोला कि ऐसे कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, यानी कौवा को घास दे दो पिंडदान करो, आदमी के पास पैसा आने के बाद वो धार्मिक बनता है, और मुझे हमेशा मैं बोलता है आदमी जितना धार्मिक होता है उतना बदमाश होता है, वो बदमाशी छुपाने के लिए करने के लिए वो धार्मिकता का ड्रामा करता है। और 17 साल का मैं था, यानी आज के पीछे जाके 45 इयर्स, तभी से मुझे ऐसा लगा कि नहीं झूठ बात है, अपने को जरूरत नहीं, कर्म यानी कुछ का कर्तव्य कुछ करो अच्छा करो, जितना हो सकेगा उतना आगे जाओ, ये असर तभी से हो गया, और मेरे ऊपर नहीं मेरे पूर्ण कुटुंब के ऊपर जो है वो था। और मैं वो हम लोग कहाँ फंस गए नहीं, कि दला बीज का दैनंदिन जीवन में बीज का जो दलाल है वो निकाल ले, लेकिन वो थॉटफुली नहीं था, वो थॉटफुली बहुत लेट हो गया ऐसा मुझे लगता है, कि एक 20 25 साल हो गया तभी लास्ट ईयर का, तभी मुझे लगा कि ये झूठा है, अभी झूठा है, इसका अभ्यास करके उसका स्टडी करके आगे जाना मांगता है।
आपके कथन में से एक बात ध्यान में आती है कि आप कह रहे थे कि वारकरी संप्रदाय के लोगों के जो कीर्तन आपने सुने, उनकी बातें जो आपने सुनी, उसमें से कुछ बीज आपके मन में तैयार हुए जिसके कारण आप खास कर थोड़ा अलग ढंग से विचार करने लग गए। हालांकि वारकरी संप्रदाय जो है वो वारकरी संप्रदाय बचपन से मैं देखते आया हूँ, मेरे घर में वारकरी संप्रदाय था, पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी बुआ, मेरी पिताजी की बुआ और मेरी माँ तक सभी ये पंडरपुर वारी वगैरह करने वाले लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझ पर जो बचपन से संस्कार हुए वो सारे के सारे चमत्कारों के संस्कार हुए, अंधश्रद्धा के संस्कार हुए। यानी वारकरी संप्रदाय में कोई रैशनैलिटी है, चमत्कार के खिलाफ बोलने वाले संत है, अंधश्रद्धा के खिलाफ बोलने वाले संत है, ये मुझे करीबन मेरी उम्र के 28 साल तक पता भी नहीं था। तो आपको वो बीज कैसे मिले, इसके बारे में थोड़ी अच्छे ढंग से अगर आप जानकारी दे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, आपका जैसा हो गया वैसा ही मेरा हो गया। मैं उसमें से क्या लिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो हमारा दादाजी ने बोला कि क्या छोड़ने का और क्या करने का, उसमें सब चमत्कारों का भरा हुआ नहीं है। कभी आदमी लिखता, मैं जैसा लिखा तो सोशल रिफॉर्मिंग का भी लिखा, कभी कभी अच्छा भी लिखा है, कभी कभी क्राइम के ऊपर भी लिखा है। मेरा क्या ऐसा ही नहीं है कि अंधश्रद्धा के ऊपर ही लिखना है, पॉलिटिकल में लिखा है, सोशल लिखा है, कल्चर लिखा है, और एडिटिंग में तो सब सब्जेक्ट आता है। यानी वो बाजू से भी उनका बोलना क्या है उसमें, क्योंकि तो जब तक हमें समझता नहीं तब तक हम रिएक्शन देता दे नहीं सकते। दादाजी ने एक ही बात किया मुझे कि कर्म कांड में आपको फंसने का नहीं, चमत्कारों में फंसने का नहीं, लेकिन एक भाषा है कि एक विचारों की भाषा है कि जैसा टुकड़ो जी महाराज थे तो सब टुकड़ो जी महाराज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपने को जो अच्छा और ठीक लगता है, उनका जो एक कहावत है कि देव नवे जादूगार करा वया चमत्कार हाथों व्यवहार कोट भरायचा। यानी जो जो संत होते हैं, देव गॉड होता है, यानी भगवान होता है, वो जादूगर नहीं है, ये तो सब ड्रामा है जिसका दक्षिणा लेके जो काम का पैसा कमाते हैं उनका। हम सब टुकड़ो जी महाराज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 60 साल पहले इतना विज्ञान नहीं था, और 600 साल जाएगा तो मुझे लगता है कि तुकाराम महाराज का भी अवंग है ना, जे करीती गुरु गुरु भोवती भारू शिष्यांचा पूस नाही पायचार मनुष्य परी पुत्री थी। मीन्स उसका ऐसा है, जो गुरु करके अभी गुरु सदगुरु और बाबा गुरु ऐसा सब निकले ना, हम गुरु के लिए लोग जाते, वो तो तुकाराम महाराज बोलते कि वो गुरु गुरु करने के लिए की जरूरत भी नहीं है, गुरु बिनु कौन बतावे वाट, तो हम बोलते कौन लगावे वाट, जो बुआ बाजी है तो उसमें से ही आता है। तो उनके पीछे जो जाता है और जो गुरु जो है सदगुरु उसके बाजू में जो शिष्य है वो तो कुत्ते जैसा है, जो अपना जो है वो प्रामाणिक उसमें से रहता है, वो जैसा बोलेगा वैसा ही काम करेगा। हम उसमें से क्या उठाना मांगता है। आज भी आज के तारीख में भी हम सोशल रिफॉर्मिंग में आया, जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी आस्ते आस्ते 90 साल के बाद, जैसा पुश बटन का टेलीफोन आने के बाद, और आज हम कहां से भी बात कर सकते हैं। 30 साल पहले हमने ऐसा सोचा भी नहीं था ना कि आप एक जगह रहेंगे, हम एक जगह रहेंगे और आप बात कर सकेंगे, लेकिन हम बनते बनते तो आगे गए ना। उसमें जो अच्छा है वो लेने का, ऐसा मुझे दादाजी ने तभी से सिखाया था, उसका असर हो गया तो मुझे संतों का सब अच्छा है ऐसा मैं बोलेगा ही नहीं ना। उसमें जो अच्छा है उतना उठाने का, वो जो जो मिसयूज करते हैं उसमें समझता है कि जो बोलते हैं कि ये सब जो मोक्ष है और चमत्कार करके ज्ञानेश्वर है, वो चांदेव के पास गया, तुकाराम जो आकाश में गया, वो तो हम मानते भी नहीं है ना। जो वैकुंठ में गया, कौन सा वैकुंठ क्या है, वो तो हम जरूरी भी नहीं जानने की, जहाँ हम जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, कोई हमारे सामने पहुंचा भी नहीं है, हमें समझते हैं ऊपर से जाएगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर ऐसा कोई नहीं जाएगा, प्लेन जाएगा, उसके लिए एरोनॉटिक अलग बात है। लेकिन ये पॉजिटिविटी है वो उसमें से जो उठाने का है, क्योंकि आज के तारीख में ऐसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि रैशनैलिटी एक दिन में नहीं आते है, आस्ते आस्ते करके जाता है। मैं जो आज रैशनैलिटी की आज बात करता है, लेकिन कल में मैं रैशनल नहीं था ना इतना, आस्ते आस्ते हो गया।
शायद वो 100% तक कोई भी नहीं जाएगा। आज के तारीख में भी हम सबके साथ वैसी बात नहीं करते कि वो एजुकेटेड रहेगा तो उसके ऊपर मैं अटैक करेगा। तुम एजुकेटेड रहे के जैसे माशेलकर जैसे वो एजुकेटेड है, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट करके उनका नाम है, वो परशुराम की बात करेगा तो उनको कौन छोड़ेगा। जिस परशुराम ने जो पुराण कथा में बोलता है कि उनके 21 बार निशस्त्रीय किया, माँ को मार दिया, वो हमें आदर्श कैसा हो सकते ना। राम भी नहीं आदर्श हो सकते तो परशुराम का क्या बात हो गया। राम जो है अपना जो उसको प्रेग्नेंट है वाइफ उनका उनको छोड़ देता है जंगल में, वो हमारा आदर्श कैसा हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जो जितना जितना अच्छा है उसमें से वो हाथ पकड़ के जाना मांगता है, ऐसा मुझे लगता है। 100% लेने की क्या जरूरत है, उसमें मिरेकल तो बहुत है ना। इसलिए अभी लोगों का धंधा चला है ना, उनको जो तुकाराम उनके पैसे के लिए बोल रहा है क्या, मिलाने के लिए जितना बोलना है उतना ही बोलेगा। वो क्यों बोलेगा ऐसा तुकाराम जो महाराज बोलते हैं, असता पांडुरंग अंतरी कशाला दाता पंडरी। जो पांडुरंग तुम्हारे अंतर है, देव देहात देहात काहू जाता देवळात, यानी अपने शरीर में जो जब भी भगवान है तो भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वो लोग किधर उसके अभंग के ऊपर कोई निरूपण नहीं करते, नहीं तो ऐसे कैसे झाले बोंधु कर्म करोति मनति साधु, दाबी वैराग्याचा काळा भोगी विषयाचा सोळा। तो सेक्स के बारे में उसने बोला है कि जो अभी जो राम बाबा राम रहीम है आसाराम है जो अंदर गए उसके बारे में बोला है उसने, तो मुझे लगता है कि वो उतना लेने में हमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतना तक मैं सीमित हूँ, आगे आगे तो ज्यादा सीमित हो गया। तो आपकी बात तो सही है कि आपको मिराकल, आप मिराकल ढूंढने लगे, मुझे लगता है कि मैं उसमें जो अपना काम का ध्यान है उतना लेने लिया। और मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वो अपना इंस्ट्रूमेंट है अच्छा आगे फाइट करने के लिए। आपके बात के साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हालांकि महाराष्ट्र में जो ये संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकड़ोजी महाराज, गाड़गे महाराज, ये संत परंपरा ने बहुत अच्छा काम किया है, इंसान को इंसान के पास लाने का प्रयास किया है। चमत्कारों का कभी किसी ने समर्थन नहीं किया है, अंधविश्वास का भी समर्थन नहीं किया है, लेकिन जो कीर्तनकार परंपरा हमारे महाराष्ट्र में रही है, उन्होंने ये सब चमत्कार लोगों में फैलाए हैं और वो इतने कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये प्रक्रिया चलते आई है, इसलिए ये चमत्कार और संत हमने साथ में जोड़ दिए हैं। बराबर पहली बार हमें ये ध्यान में आया था, मैंने पहली बार एक आर्टिकल पढ़ा था गंबाजी सरदार का, और तब पहली बार ध्यान में आया कि नहीं, संतों ने तो कुछ अलग बातें कही हैं, और फिर बाद में ढूंढना शुरू किया था। तो ये प्रोसेस रही है, उन लोगों ने कभी इनका समर्थन नहीं किया लेकिन उन पर ये चीजें लादे गई है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने विवेक में काम किया, फिर मेरी और आपकी स्थिति एक ही है। मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक तरुण भारत से की, दैनिक तरुण भारत ये आरएसएस का मुखपत्र रहा है, विवेक भी, साप्ताहिक विवेक भी आरएसएस का पत्र रहा है, यानी साप्ताहिक रहा है। तो आपका अनुभव वहां कैसा रहा? शायद तब आपके विचार इतने दृढ़ नहीं थे, इतने पक्के नहीं थे, इतने शायद इतने रैशनल नहीं थे, बुद्धि प्रामाण्यवादी नहीं थे, इसके बावजूद आपका वहां का अनुभव कैसा रहा? आज के तारीख में जो जितना मेरा रैशनलिटी है कभी नहीं था, लेकिन मेरे हाथ से गलत नहीं, मैं गलत सोच नहीं था मेरे को। मैं वहां ही सर्विस काम करता था अलग कंपनी में, बाजू में विवेक साप्ताहिक था। मैं जर्नलिज्म कंप्लीट किया, बाद में मेरा आरएसएस में का एक ये था, फ्रेंड था, दोस्त था। वो तो तभी ऐसा हो गया कि मुझे कहाँ ना कहाँ सर्विस करने की जरूरत थी। कॉलेज के लिए मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नौकरी ढूंढना पड़ता मांगता है, और जो मैं लिखता था थोड़ा थोड़ा पेपर में, उसमें लगा कि अपन जर्नलिज्म लाइन में क्यों नहीं जाए। तो मुझे आरएसएस क्या, कम्युनिज्म क्या, तो तभी मालूम नहीं था, मैं 24-25 साल का था, डीप में मालूम नहीं था, और उसके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं था। लेकिन जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, तभी उनको भी हमारी जरूरत थी। क्योंकि तो आज के तारीख में जितना आरएसएस को और बीजेपी को वैल्यू देता है, तभी उतना वैल्यू समाज में नहीं था।
और उनको अलग अलग ढंग से जिसको पूरी पार्टी बोलते हैं जैसे ब्लैंक पेपर, उस ढंग का आदमी मांगता था और मैं था और मैं उनको मिल गया। तो तभी जब बात होते थी तभी मेरा और उनका पटता नहीं था। उनको समरसता की बात करते थे तो मैं समता की बात करता था। समरसता कौन, किसने किसमें समरस होना मांगता है, वो समरसता मंच विंच तो मेरे सामने उन्हें शुरू कर दिया। लेकिन वे ऑफ थिंकिंग नहीं था, साथ नहीं था, लेकिन तो भी एक जैसा जरूरत तो दोनों को भी था कि उनको एक ब्लैंक पेपर वाला आदमी मांगता था। और तभी दैट टाइम, अभी जो झगड़े करते हैं जो लेफ्टिस्ट जो है अभी बात बहुत करते हैं, लेकिन एडोप्ट करने की उनकी मानसिकता नहीं थी। उनको ऐसा लगता है कि वो विवेक में काम करता है इसलिए वो आरएसएस वाला ही है, और तरुण भारत में काम करता है तो आरएसएस वाला है, अपना साधना में काम करता है तो समाजवादी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पेट लेके आता है। कोई भी एडिटर बिडिटर रहेगा वो तो कुछ उनका सोच अलग रहेगी, लेकिन जनरलाइज करते समय आज का जो सिचुएशन देश में तैयार हो गया है, मुझे लगता है कि उसका जो फर्टिलाइजर जो है ये लेफ्टिस्ट लोगों ने राइटिस्ट लोगों को ताकत दी है। तभी का बहुत डिटेलिंग कर सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन अभी उसके की जरूरत क्योंकि चेंज होने वाला नहीं। आज के जो बच्चे लोग जो है, जो ट्रोलर और जो सब दिखते भक्त मंडली, उनको सोचना मांगता है कि तभी 85 से 90 तक क्या लेवल था आरएसएस का और इसका अपना भाजपा का। उनको कोई भी सब जगह अछूत मानता था। जब भी उसने धर्मवाद लाया, बाद में उनको जो एडवांटेज लिया शाहबानो का रहेगा, बाबरी मस्जिद का रहेगा, और बाद में अभी तो सब सोच ही बदल गई है लोगों की। तो तभी नहीं था, और मेरे को जरूरत था कि मेरे को कॉलेज पूरा करने का था, मेरे को काम मिलता। लेकिन विवेक साहब का इससे मैं जो लिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो बात है कि लिखने की आदत ठीक से हो गई, कि उसमें व्याकरण का अर्थ होता है, वो जो ह्रस्व दीर्घ और कुछ है, बहुत कुछ है, लिखने का एक ढंग रहता है, उसका एक सोच बदल गई। हमें लगता है कि हम जो बात करते हैं वो बराबर है। जैसे मैं हिंदी में ठीक से बात कर नहीं पाता हूँ, मेरा बम्बई या हिंदी है, लेकिन तो भी जो सोच के समझ के लिखना मांगता है, इफेक्टिव लिखना मांगता है, वहां से लिया। और जो नहीं लेने का था वो नहीं लिया, वो उसने बहुत असर डाला मेरे ऊपर, लेकिन नहीं हो गया। कभी उसने मुझे प्रेशराइज भी नहीं किया। वहां दिलीप करंबेकर नाम के एडिटर थे, आज भी है, लेकिन उन्हें मेरे को फ्रीडम दिया था। वो फ्रीडम में ही मुझे समझा कि लोग विचारों को अछूत कैसा मानते हैं। जो लेफ्टिस्ट होएगा, कांग्रेस वाला रहेगा, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि पहला ह्यूमन है ना, सोच कौन सी भी रहेगा, विचार कौन सा भी रहेगा, उसके बारे में चर्चा हो सकता है गलत या बराबर। जब भी हम बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तभी हम किधर देखता है कि बाजू में कौन सा विचार का आदमी है। रिजर्वेशन के बारे में हम सोचते नहीं कि वो समाजवादी रहेगा तो मैं बाजू में नहीं बैठेगा, कांग्रेस वाला रहेगा तो नहीं बैठेगा। लेकिन समाज की सोच तभी थी, जो बोलते हैं हम बहुत कुछ क्रांतिकारी काम किया, उसने बहुत काम नहीं किया, उसने राइट विंग को बढ़ावा ही दिया है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। और अभी तक भी मेरा का जो है विचार उस बारे में मैं ठाम हूँ। तो उसमें मुझे को राइटिंग का अच्छा दिया, लोगों तक पहुंचने का मुझे बहुत एक ये मिला, संधि मिला, क्योंकि मैं क्लीन था, यानी मेरे को ऊपर कुछ छप्पा नहीं था, इसलिए मैं कौन से भी आदमी से बात कर सकता था। तो उसका मैं एडवांटेज लिया, मेरे को बाकी का काम करने भी उसने प्रोत्साहन दिया। लेकिन मैं भी उन लोगों को, उनको बहुत लोगों तक पहुंचाया, लेकिन 89 के बाद मैं ऑफिस में कभी गया नहीं हूँ और उसने कभी बुलाया भी नहीं, क्योंकि तो मेरा जो लिखना था ओरिजिनल वो 89 के बाद चित्रलेखा में शुरू हो गया। और मैं जब बाबरी मस्जिद सामने पड़ती हुई देखी, जो जाता है मंदिर बनाने के लिए, गिरा के आता है बाबरी मस्जिद गिरा के, तो जाते समय ठीक से बोलने का ना, मस्जिद गिराने के लिए ही जाता है, जो मंदिर की बात की, वो मुझे उसका डबल स्टैंडर्ड दिखा। और अभी डबल स्टैंडर्ड आज तक उनका वैसा ही है, इसलिए मैं वो मुझे विचारों का जो डबल स्टैंडर्ड है वो पटता नहीं है। बाकी उनका प्लानिंग का जो है, 35 साल उसने जो प्लानिंग किया वो सही सही लाना, और उसके लिए त्याग पैसा और सब को झूठापन सब लगाना, वो बहुत ताकत की बात है। लोग अच्छे दिन की बात करते हैं, बुरा हो गए तभी सोचते नहीं है, इतना तक उन्होंने सम्मान करके रखा है, तो ये बात गलत है ना। तो मेरे जैसे मुझे दोहरापन मुझे और दिखने में आया, इसलिए मैं लिखता हूँ ऐसा।
वो सीखने को एक मिला कि एक भाषा का अध्ययन अच्छा हो गया। व्याकरण नाम की एक कुछ चीज होती है, लिखने में वो जरूरी होती है, बात करने में भी जरूरी होती है। और जो फ्रीडम मिला वो फ्रीडम लेने की बात है, कोई देते नहीं फ्रीडम, हम लिखता है इसलिए वो एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा रहेगा समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो कभी कभी विचारों के बाजू जाके भी लोग स्वीकार करते हैं ना उसका, क्योंकि तो मुझे मालूम है कि गंगा केशव मेश्राम और जो पांतवणे गंगाधर पांतवणे जो रिपब्लिकन पक्ष है, अस्मिता नाम का उसका दलितों का मैगजीन चलाते थे, तो उनकी बात क्या बोलने के लिए मैं उनको विवेक में लेके आया था। क्योंकि तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है ना कि जो बात करते, मैं वहां रिडल्स होने के बाद मैं स्पेशल इशू बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो फुल इशू जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वो लिखा जो पब्लिश किया है ना उधर, उतना उसे फ्रीडम दिया। लेकिन आदमी कभी फ्रीडम देता है वो जब भी दबा हुआ होता है तभी, नहीं तो तभी विचारों का ढीलापन आता है कि लोग मिट्टी जमने के बाद उसको आकार देने का होता है, वो सामने से मैं देखा हूं। विवेक में आपको लिखने की स्वतंत्रता थोड़ी बहुत मिली, लेकिन पहले से आप जो लिखना चाहते थे, आपके विचार जैसे बन रहे थे वैसे आप लिखते गए और वो वहां छपते गया। इस कारण आपका महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से परिचय हुआ, लोगों तक आप पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो। साथ में आपने ये भी कहा कि आपने खुद अपनी स्वतंत्रता वह हासिल की, जो आप लिखना चाहते थे वही आप लिखते थे। आप चित्रलेखा में आए, मैं मैगजीन के बारे में यानी साप्ताहिक के बारे में खास कर ज्यादा जागरूक था, क्योंकि मैं मनोहर में 82-82 तक काम कर रहा था। तब महाराष्ट्र में श्री नाम का एक साप्ताहिक था, बहुत ही फेमस था, सबसे ज्यादा खपने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला ये साप्ताहिक था, और ये हर तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला साप्ताहिक था। इसका गुजराती में एक श्री का वर्जन निकलता था, वो भी बड़े पैमाने पर अंधविश्वास फैलाने का काम करता था। चित्रलेखा परिचित नहीं था, तो ये चित्रलेखा साप्ताहिक कब शुरू हुआ मराठी में खास करकर, और शुरुआत से आप ही वहां पर हो और किस पद पर हो ये भी जानना चाहेंगे, और चित्रलेखा का जो आज का स्वरूप है, एक रैशनल बहुत ही ताकतवर मैगजीन बना दिया आपने उसको, मैगजीन के बजाय साप्ताहिक बोलना चाहिए, वीकली बोलना चाहिए, बना दिया आपने उसको, तो ये स्वरूप पहले से था या फिर आपने इसको बनाया है, ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, पहले से ही था, जो गलती है नहीं हुआ। एक तो चित्र विवेक श्री साप्ताहिक में जो एडिटर थे, तो आप जो बात की जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले जो रिपोर्ट करते थे वो तो मेरे साथीदार ही थे ना, सलाहकार ही थे चित्रलेखा के, वसंत सोपारकर नाम के, अभिभाव तोरसेकर जो बात करते वो भी था उधर। लेकिन जो हरकिशन मेहता नाम के जो गुजराती में थे, वो जिसने 40 साल पहला काम किया, वो थोड़ा वहां तक नहीं थे, लेकिन उसको मालूम था कि ये गलत है, उसने वो काम नहीं किया, उसका एक ढंग अलग ढंग का था। लेकिन मराठी में ऐसा हो गया कि मैं एडिटर की जवाबदारी में पहला दिन से ही था। आज मैं जून में मेरे को 33 साल पूरा हो जाएगा, तभी 29 साल का मैं था, कोई जवाबदारी नहीं लेता था, इसलिए मेरे ऊपर आ गई, यानी डायरेक्ट में ही था। लेकिन अपनी तभी हम क्या करते कि जो चलता है वो पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन तभी जो हरकिशन मेहता था उसने मुझे एक टाइम बोला कि मारव जी, एक मराठी में तुम्हारे में बहुत कुछ अलग अलग ढंग से लिखते हैं, वो जो कॉलमिस्ट रहते हैं वो खुद की ताकत से करते, आप जर्नलिज्म करो, रिपोर्टिंग होना मांगता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो था, और जो मेरे साथ में था वो खाली इंग्लिश से मराठी जो ट्रांसलेशन मारने का वो था, उससे ज्यादा आगे जाके सामने वाला आदमी को कभी बात किया बात बोला ऐसा ढंग के नहीं थे। अभी भी वैसे ही मराठी जर्नलिज्म जो एडवांस बोलते हैं वो एडवांस नहीं है अभी तक। अभी तक कोटेशन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं होते मराठी में भी, टीवी में भी चर्चा होते हैं तो लोगों को बोलने से बजाय वो जो एंकर था वही होता है, वही ज्यादा बात करते हैं। आज भी आज की तारीख जो डिबेट्स में हम देखते हैं एंकर ही ज्यादा बोलते हैं, उनका एक खुद का निकालने की बात होती है, वो स्क्रीन प्ले लिखने का, वो गुजराती में था। और मैं खातरी से बात करता हूँ जो मराठी जर्नलिज्म में अभी भी बहुत बैकवर्ड है,
क्योंकि हम जाके उधर जाके कभी काम ही नहीं किया। तुम कुछ भी विचारों के हो, लेकिन पहला दूसरे का विचार पहला एस्टेब्लिश करो और उसका खारिज करो जो बनता है, लेकिन वो कोटेशन में डालो। आपको कैसा नहीं तो समझता है कि ये किसका है वो किसका है। लोगों की जो सोच होती है, यानी लता मंगेशकर बहुत अच्छी गाती है वो मालूम है, सबको मालूम, सुनने को मिलते हो, तो गाना तो हम लिख नहीं सकेगा। लेकिन लता मंगेशकर जो है उसका एक तो कैसे उनके गाने गाने का एक कोशिश है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इधर से लेके वो इनकम टैक्स कितने उतने डुबाया है वो उसके बारे में भी चर्चा करो। वो उन्होंने हमें सिखाया कि ग्लोरिफिकेशन नहीं ज्यादा करने का। तो वो दो तीन बातें बोले, बोलते बोलते समय तभी ध्यान में आया कि ये बुआबाजी तो सब क्षेत्र में होती है, अध्यात्म क्षेत्र में होती है ऐसा नहीं, सब क्षेत्र में होती है। तो तभी रैशनैलिटी के ओर जाने का जो होएगा तो अपने को रियलिटी तक जाना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग ढंग से मैं वहां पहले किया, मैं रिपोर्टिंग किया ऑन स्पॉट, गए थे संभावट में, बहुत फ्लड आया था, लगभग 5-7 हजार लोग मर गए। तो मैं जो रिपोर्टिंग किया वो स्क्रीन प्ले किया लिखा, तभी मुझे लगता है लगा कि अलग ढंग की जर्नलिज्म है। लोग जाते हैं आते हैं लेकिन कौन बात करते हैं, यू आर नॉट ए अथॉरिटी, सब बात आपने कोई मालूम है समझ के आप कैसे लिख सकते हैं। तो वो बात हो गई। सेम टाइम मुझे जो साथ में आदमी थे वो अलग ढंग के थे, जो ऐसे राइटिंग करने वाले थे वो सब उनकी सोच अलग अलग थी, और बाद में वो स्कैटर हो गए। वो होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने साथ कोई अच्छा आदमी मांगता है। तो नारायण आठवले जो था, जो एक एडिटर थे, उनके भी विचारों की सोच अलग थी, लेकिन वो कॉलमिस्ट करके मैं उनको बोला कि तो आप लिखना शुरू करो। तो उसने करने के बाद मैं रिपोर्टिंग एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाके करने का और उनको बताने का कि मुझे ऐसा आपके पास से अपेक्षा है। तो मैं जो बोलता था उसके आगे जाके वो उनकी सोच थी। तो एक थोड़ा सा आ, 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 जो कॉन्क्रीट भाग जो है वो हो गया कि एडोट्रियल भी इम्पोर्टेंट है और रिपोर्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टर्स लग में यानी रिपोर्टर्स ने, अभी आपने इधर रिपोर्टर्स लिखने वाले भी बहुत है, तो उसने रिपोर्टर्स नाम के उनके बुक्स भी है। रिपोर्टर्स ऐसा होता है कि रिपोर्ट के आगे जाके जो और बात बताने का है वो, लेकिन कभी आज आज बात होती है और 6 महीने के बाद दिवाली इश्यू में लिखा ऐसा नहीं होती है। आज का बात है तो 2 दिन में 4 दिन में उसका रिपोर्टर्स करके वो मेन स्टोरी करके वो जर्नलिज्म करने का, वो हर अलग बात का हम बात लाया। और वो होते होते में सेम टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, जैसा 92 में जब भी बाबरी मस्जिद पतन उसका हो गया, ढाई गई। तभी मैं बाबरी मस्जिद का रिपोर्ट जो है मैं फैक्स से भेजा हुआ था, करता था, वहां से भेजा था फैजाबाद से। तभी मेरा दिमाग में नहीं आया कि ऐसा जा कैसे सकता है कि हम फैक्स से भेजते हैं, वो 30 रुपए लगता था पोस्ट में जाके, वो 30 रुपए में रेशनिंग जैसा था, एक दो ही कागज भेज सकते हैं, मेरे को तो 20 भेजने का था। तो मैं तभी समझा कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट। हम तो यहाँ जाते हैं वो मंत्र तंत्र करके नहीं जाते हैं कि ओम बोलेगा तो जल्दी कागज जाएगा और उधर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी तो हमारी सोच बदल गई, सब समझा कि ऐसा पकड़ जैसा चेंज होता है, वातावरण बदलता है, लेकिन उसके आगे जाके में प्रैक्टिकल होने के बाद मेरे को जो असर पड़ गया, तभी मैं देखा कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उधर क्या हो गया और बाद में बॉम्बे में क्या हो गया, मुंबई में क्या हो गया। तभी मैं नारायण ठोले को मैं एडिटोरियल लिखने को बोला था ना कॉलम में, कि राम राम बोलने वाले गजनी के मोहम्मद कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम राम राम करके जाते हैं और जो कॉन्ट्रास्ट है विचारों की जो बैठक है वो घटना देख के होनी मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। किसने घटना बताई और वो बाद में आप सोचो, वो तो पाठकों का काम है, वो तो सोचते ही है, लेकिन जो पत्रकारों का काम है पहले तुम सोचो, पहले वो जो सब्जेक्ट है उसको हावी हो जाओ। तभी मैं देखने के बाद मुझे लगा कि ये गलत है, दिस इज द पॉलिटिक्स। और बाद में धर्मवाद कैसा अंदर आ गया, तो मुझे जैसा जैसा अंदर घुस गया, और जब भी मेरे के ऊपर जो पहला पांडुरंग शास्त्री आठवले ने क्रिमिनल केस डाला, तभी मुझे समझा कि ये सब झूठ कैसा, और झूठ में उनका स्वार्थ कैसा है, बड़ौदा में डाला था। तभी मुझे 100% में रैशनैलिटी तक गया, जो मेरे ऊपर वो गुजर नहीं जाते थे शायद, मुझे कोई माफ कर देते थे, दुर्लक्ष कर देते थे, तो शायद नहीं भी हो सकता था, लेकिन इतना फंस नहीं जाता था क्योंकि उनको हादसा इतना जबरदस्त हो गया था,
कि उनके स्वार्थ जो है, क्योंकि हमने पूछा था, संतों ने कभी ट्रस्ट निकाला है? ज्ञानेश्वर है, नरसिम्ह है, मेहता है, और किसी ने? अभी के वो जो संत बोलते हैं वो ट्रस्ट क्यों निकालते हैं? वो ब्लैक का पैसा व्हाइट करने की उनका धंधा है। वो 94 की बात है, लोगों तो आज के तारीख में पकड़ देता है। ईडी तो तभी लगनी मांगती थी सबको, समझा कि नहीं, और आज भी लगनी मांगते, इतना माल मसाला है। तो वो जो सोच है ना, वो जो पत्रकारों के नजर से मैं जाते जाते आगे जाते समय समय वहां तक पहुंच गया, और जो जो दिखता है उसके बाद में जो सोच है अपने बदलने के बाद, जो दिखता है वो तो अपन ग्रहण करते हैं, बाद में लिखते समय में वाचकों को मैं कैसा देने का, वो टाइम जो रेफरेंसेस है, वो जो मैं वारकरी संप्रदाय के संत है उनका दाखला या उनका संदर्भ रेफरेंस में मैं ज्यादा दिया, वो मैं इंस्ट्रूमेंट करके यूज किया ऐसा बोलू। और घटना ही बाद में ऐसी घड़ी, गणपति दूध पीता है जो सब अपना शिव मंदिर में दूध पीना चालू हो गया, ऐसा अभी अभी जो अभी 2 महीना पहला हो गया, वो 96 में पहला हो गया था। तो इतना अंधश्रद्धा का फैला होने के बाद तो हम विज्ञान के ऊपर दूसरी बाजू जाना ही मानते हैं हम, लेकिन लोगों का सोच बदल दिया है उन लोगों ने, विज्ञान का गैर वापर करके, मिस यूज करके, उन्हें गणपति दूध पीते उसके लिए फैक्स लगाया उसने, गायत्री मंत्र के लिए रिंगटोन बनाया, ये धंधा उसने किया, और लाइफ लिविंग के लिए अभी चालू है वो तो मंत्र तंत्र जैसा उपासना के, कोरोना भी जाएगा अभी तक बोलते हैं लोग। यानी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो गलत ढंग से किया, उसके ऊपर में हैमर करके खुद को ठीक किया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% ठीक हूँ, मैं तो ठीक बनने की कोशिश करने की इच्छा रखता हूँ, वो मेरी तमन्ना है। कि अपना जो ह्यूमन का जो आइडेंटिटी है, ह्यूमन इज अ रैशनल एंड सोशल एनिमल, मैं रैशनल भी है और सोशल में भी है, सोशल रह के हम रैशनल बनना मांगता है, क्योंकि विचारवंतों के अपने महाराष्ट्र में या देश में कुछ कमतरता नहीं है, लेकिन इतने विचारवंत है, इतना वैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक लोग ही सब स्पिरिचुअलिटी ज्यादा उनमें रहती है, आज में बहुत बढ़ गई है, उसमें दारू कम पीता होगा लेकिन ये स्पिरिट ज्यादा पीता है, तो उसमें हम सोचना मांगता है ऐसा मुझे लगता है। हर एक के जीवन पर अलग अलग चीजों का बहुत प्रभाव होता है, जैसे कि विचार का प्रभाव आपके जीवन पर हुआ, वो आपके लेखन में आया, उसके कारण पूरे महाराष्ट्र के लोगों को उसका फायदा मिला, उसके काफी अच्छे फायदे महाराष्ट्र के लोगों को मिले, एक महाराष्ट्र में एक अच्छी विचारधारा निर्माण करने में आपका बड़ा सहयोग रहा, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन का भी अपने जीवन पर बहुत असर होता है और उसको भी हम जानना चाहेंगे। इसमें से कुछ सवालों का जवाब अगर आप न देना चाहे तो ये आपका अधिकार है। आप अपने कॉलेज के जीवन में पढ़ रहे थे, साथ में काम भी कर रहे थे, काम कर कर पढ़ रहे थे, आप दिखने को स्मार्ट हो, तो कभी किसी लड़की के प्रेम में वगैरह पड़े? प्रेम तो अच्छा ही होता है ना, गलत क्या है, खाली प्रेम में। हाँ तो थोड़ा थोड़ा विस्तार से कहिए। जरूरत नहीं अभी बोलने की, वैसी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बहुत आगे हम चले गए हैं। और सच बात बोलू तो जब जब ही जो मिलना मांगता है वो नहीं मिलेगा तो स्टेशन को छोड़ देने का, फास्ट ट्रेन में जाता है तो 3-4 स्टेशन छूटता ही है ना, और छोड़ने के बाद जो अपने ध्येय तो अपने लास्ट तक जाने का है, मैं यहाँ से बंबई से निकला, मेरे को दिल्ली तक जाने का है, तो कुछ स्टेशन तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ने में ही मुझे लगता है कि तुम्हारा दौड़ ज्यादा होता है, तुम ज्यादा पास में अटके रहेगे तो तुम आगे नहीं जा सकते, सब लेके जाएंगे तो हर टाइम तुम आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो सोच है, जब भी नहीं मिलता है, जब भी कुछ बात तभी तभी नहीं मिलता है, तभी आगे जाने का, निकल जाने का, वो स्टेशन तो है ना, आगे की दौड़ बहुत बहुत है, अभी बहुत कुछ है, डेड एंड तो कुछ भी नहीं रहता है। हिमालय तो कोच कोई पहुंचा तो कोई उधर घर नहीं बांध के रखता है, वो नीचे आना ही पड़ता है ना, कि नहीं उधर हम अच्छा बंगला हिमालय में बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बात होती है सबकी, जीव शरीर अपना मन एक बात होती है, बुद्धि एक बात होती है, कि मन और बुद्धि तक जाने का, कि शरीरों की जरूरत ही आप देखने जाएगा
तो कभी वो कम नहीं हो जाएगी। मुझे लगता है कि कभी रियलिटी आजू बाजू की देखो, और समाज भी वैसा ढोंगी है, समाज तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, पैसा और कुछ इज्जत नहीं रहेगा तो पूछता नहीं है। जब भी तुम नाम कमाता है और कुछ होता है तब तक आदमी आगे जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टर्न आने के बाद आप आगे जाना मत, बस इतना। आपका परिचय प्राप्त करने के लिए मुझे आपसे जो जानकारी मिली, मैं आपको जितना जानता था, मैंने विकिपीडिया भी देखा, विकिपीडिया में आपके शादी का कोई उल्लेख नहीं है। मैं काउंसलिंग के क्षेत्र में हूँ, काफी सालों से हूँ, 40 सालों से हूँ, कई लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूँ, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानता हूँ। आपने शादी की कि नहीं, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल उसके साथ में है कि शादी न करने का कारण दो, क्योंकि विकिपीडिया में इसका उल्लेख नहीं, इसलिए मैंने कभी व्यक्तिगत ये सवाल आपसे पूछा नहीं था। उसके दो तीन कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम सन्यासी और ब्रह्मचारी जिंदगी भर रहे, ये भी लोग मैंने बहुत नजदीक से देखे हैं, मेरे काफी काका लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं विनोबा जी के आश्रम से जुड़ा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी अपने जीवन में होते हैं कि प्रेम में पड़ते हैं, और प्रेम में पड़ने के बाद में तू नहीं तो और कोई नहीं ये जीवन में निश्चय कर लेते हैं, और इसलिए शादी नहीं करते हैं। और मेरे कुछ मित्र भी ऐसे हैं, स्त्री पुरुष दोनों में, कि जिन्होंने तय किया कि शादी की जिम्मेदारी मुझे लेनी नहीं है, उससे बड़ा काम मेरे जीवन में मुझे करना है। और शादी की अगर जिम्मेदारी हम लेते हैं तो हमें कई चीजों के एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप जो कह रहे थे उसमें से कुछ चीजें ध्वनित होती है लेकिन स्पष्ट नहीं होती, अगर आप स्पष्ट करना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, न करना चाहे तो आपका अधिकार है। लेकिन उसके आगे भी बहुत कारण होता है। मैं खुद बोलता हूँ कि हमारे घर में जो 8 बच्चे हैं, हमें 8 जो सिस्टर और ब्रदर है, भाई लोग हैं, उसमें से 4 की शादी नहीं हो गई, एक की नहीं है। और जरूर मैं अभी तक किसी ने मुझे क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, क्योंकि तो मामला अलग होता है, सिचुएशन अलग रहती है, तभी तभी के टाइम में वो ठीक रहते हैं जो डिसीजन है। आगे नहीं जाने का हर हर की पर्सनल बात होती है, तुम कैसे बॉन्डिंग तुम्हारा रहेगा वो ढंग से मुझे लगता है। और इस बारे में कभी मैं लिखेगा भी, बहुत कुछ लिखने वाला है, तो उसमें ये जो छुटा हुआ बाद में लिखना पड़ेगा मुझे, क्यों मालूम है कि उसका जो पहले जो फादर मदर का भी उनका लाइक संसार का असर दूसरे पीढ़ी के ऊपर पड़ सकते हैं, और अभी बोलने का नहीं बोलने का उससे क्या दुरुस्त होने वाला है, लेकिन उससे छुटकारा मांगता है। नहीं तो आज मुझे लगता है कि हम नहीं वो सोचते थे, हम हमारे माँ का संसार है वो हमारा हमारा सब नहीं समझा, सब भाई लोगों ने जितना होगा इसलिए हमें तो स्थिर स्थावर हो गए, स्वाभिमान इज इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है कि हम एक विचारों से चल रहे हैं तो हमें कुछ में अटकाव नहीं आना मांगता है। तो अभी तक तो कोई बोलेगा नहीं कि हम इनका ऐसा ऐसा किया इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, तो कुछ छोड़ना मांगता है, बहुत कुछ छोड़ना मांगता है, मैं त्याग भी की बात नहीं करता है, लेकिन कुछ सेशन छोड़ देने का। और इतना मुझे ऐसा लगता है कि इतना घुसने अंदर जाने के लिए भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका असर मेरे लिखान पे या राइटिंग पे, सोच में या बुद्धि में कुछ भी नहीं असर पड़ा है। क्योंकि तो खुद की शादी नहीं किया तो मैं लगभग 150-200 लोगों की शादी लगा है, बहुत मैटर में मैं लवाद का काम किया है ना, ऑफिशियल लवाद का, कि जिनके सेपरेशन होता है तो उनको समझ के पटाके लोगों को एक साथ किया है, तो वो बात अलग होती है, संसार करने की बात अलग हो, लेकिन मैं खुद को पूछेगा तो मैं संसारी आदमी, लेकिन लोग समझते हैं विद मैन, मैं पूरा 100% मेरे को क्या महंगाई है और सब बातें जरूरी लगती है, और जिसको जो जो ढंग से जाने का है वो ढंग से उसने जाना मांगता है, ऐसा मुझे लगता है। सोशल दबाव डाल के खुद के ऊपर मत ले लो कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग नहीं आते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना मांगता है। मैं जो मेरा बचपन बचपनपन है वो बिलड़ी चाल में गया, वो 10 बाई 15 में हम 11 लोग रहते थे, माँ फादर मदर 8 भाई लोग और मेरे दादाजी, 10 बाई 15 में। वहां से हम निकलने के बाद मैं आज शिवाजी पार्क में रहता हूँ, मेरे में वहां रहते थे तभी एक फ्लोर पे 20 खोली यानी 20 रूम्स,
और 20 रूम में, हर में ऐसे 5-7 साल कितने लोग, लगभग 200 आदमी रहते थे, 150 या 200, और जो टॉयलेट थे वो खाली 6 था। अभी मैं रहता हूँ, आदमी 3-4 लोग है, टॉयलेट 3 है। हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है ना, आगे की पीढ़ी के, और कुछ उनका एडवांटेज मिलेगा ना उसका। तो किसी ने कुछ क्या बोलते हैं, बहुत दाना आना बनता है, जो उसका जो पेरनी जो है वो भी होना मांगता है, अच्छा का बीज जो है वो भी डालना मांगता है। कुछ तो अपने को छोड़ना ही पड़ेगा जीवन, और छोड़ने की इच्छा रखो ना। ऐसा छोड़ना मीन्स क्या, आप बॉन्डिंग है उससे, आगे जाके भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो एडवांस विचारों का है ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो मुझे, मैं 29 ईयर का था तभी चित्रलेखा मिला, चित्रलेखा का एडिट होगा तो मेरा 3-4 साल तो पहला फाउंडेशन में गया उसका। और जैसा खुद बन जाते हैं, तो आपके सामने जो एडिटर होता है, एडिटर के सामने तो बहुत प्रॉब्लम आता है, मैं लिखता उतना ही नहीं है। हर आदमी को लगता है कि अपना इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में महाराव को मालूम है, इसके बारे में खेडूत के बारे में मालूम है, सब तो सबका ज्ञान 50-50% तो मांगता ही है। और मैं प्योर एडिटर है, मैं राइटर बहुत कम हूँ। मुझे ऐसा बोलेगा कि आप राइटर, राइटिंग में अच्छा लिखता है, तो लिखता ही है क्योंकि मेरा इंजिन है वो, लेकिन जो बाकी का रिपोर्टिंग तो चित्रलेखा में आता है, तो वो प्योर एडिटिंग है। फोटो कौन सा मांगता है, अपना आपका हेडिंग क्या मांगता है, सब हेडिंग कैसा होना मांगता है, प्रेजेंटेशन कैसा होना मांगता है, क्या लैंग्वेज मांगता है, वो सब परकाय प्रवेश में करता हूँ। मेरे मेरे कैपेसिटी वो 90% वो है। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो लिखना है ना वो, उसमें आप दुर्लक्ष करो, उसमें ध्यान मत दे दो। मैं जो बाकी का चित्रलेखा प्रेजेंट करता हूँ उसमें उसकी ताकत आपका डिजिटल से भी ज्यादा क्यों है, वो सोचो। कि डिजिटल पढ़ने के, देखने के बाद, सब सोचने के बाद, सुधा भी होने के बाद भी वो चित्रलेखा क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों चित्रलेखा, इतना पेपर्स आते हैं, इतना डिस्ट्रिक्ट पेपर आते हैं, इतने बड़े बड़े पेपर आते हैं, तो भी चित्रलेखा 92 से अभी तक नंबर 1 पे। हमें उसका मैं मार्केटिंग कभी नहीं किया और करेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों का आदमी ने अपना बड़ापन नहीं है, लोग वो ढंग से सोचते नहीं है, तो क्यों करते हैं। तो हम उसके आगे जाने की हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उसमें मैं, कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि मारा होगा, ऐसा कभी कभी चिढ़ जाते हैं, तो घर में कुछ झगड़ा होएगा तो इसलिए आ रहे, घर में झगड़ा होने के लिए आए कौन। ऐसा एक का असर दूसरे के असर पड़ने की जरूरत भी नहीं है। मेरा राइटिंग और मेरा बात करने का तरीका टोटली अलग है, मेरा प्रैक्टिकल काम करने का, संगठनात्मक काम करने का रहेगा, संस्थात्मक काम करने का होगा, ड्रामा रहेगा, ड्रामा तो अलग बात है, लेकिन वो विचारों का ही बंधा हुआ है। तो लेकिन उसका प्रेजेंटेशन में हम एडजस्ट कर सकते हैं, 30-40 आदमी को जो संभाल सकते हैं वो तो बहुत काम करते हैं। और राष्ट्र विष्ट का त्याग भी वो हमारे दिमाग में नहीं है, उसमें जो है मुझे लगता है कि मेरे को खुद को स्वाभिमान से रहने के लिए, मेरे को कुछ तड़जोड़ नहीं करने के लिए, जिसका जिस ढंग से मेरे को चलना है वैसा मैं चलना मांगता है, उसका कुछ असर या प्रेशर ऐसा नहीं है। रियलिटी समझ के आप आगे जाओ तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जा सकता है। जो सोच है मुझे अभी भी मालूम नहीं मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन मैं अभी मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे को हर सब्जेक्ट नया है, और नयापन कागज पे दिखना मांगता है अपना, इस ढंग से मैं बात करता हूँ, काम करता हूँ। महाराव जी, आपने जो जवाब दिया उसके साथ में और एक मेरा सवाल खड़ा हो जाता है। मानवीय जीवन में साथी की बहुत आवश्यकता है ऐसा माना जाता है, केवल माना ही जाता नहीं है तो स्टडीज भी ये कहते हैं। सहजीवन और सेक्स दोनों की आवश्यकता होती है, और ये मेरा विशेष अभ्यास का विषय रहा है, मानवीय जीवन और सेक्स। उसका इंसान के विकास पर भी परिणाम होता है, व्यक्ति पर भी परिणाम होता है, और मैंने आपको जितना देखा है मुझे हमेशा लगा कि आप बहुत ही एक बैलेंस और इमोशनल व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी बहुत बैलेंस व्यक्ति हो। यानी पूरी तरह से, जिसको हम कहते हैं कि एक तरफ केवल विचार और बुद्धि का विचार करने वाला व्यक्ति आप हैं, ऐसा नहीं है। तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति भी हो, आपके लोगों के साथ में इमोशनल अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध भी है।
तो एक तरफ ये बैलेंस भी आप रख पाए और दूसरी तरफ अकेले जीवन निभाने का आपने तय किया, तो ये दोनों का बैलेंस आप कैसे प्राप्त कर पाए, इसके अकेला बारे में अगर जीवन कुछ नहीं कहना है, चाहते हो तो। नहीं अकेला जीवन कुछ भी नहीं है, सेक्स अच्छा में हाँ अकेला जीवन नहीं है। और बाद में जो हम चरित्र के बारे में और सोचते हैं, मैं ऐसा कुछ करना मांगता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसा तवा बढ़ता जाता है तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गांव में जाता है और किधर जाता है, बहुत लोग हैं पहचान वाले बहुत है कि जो खाली पढ़ते हैं। एक ने मुझे लिखा था कि मैं आपका पढ़ता 12वीं साल का था, लड़के ने, उसका एक लाइन का और दूसरा लाइन का कुछ भी संबंध नहीं था। मैं 12वीं में पढ़ता हूँ, आपका चित्रलेखा का लेख हमेशा पढ़ता हूँ, उससे बजाय मेरे को नींद नहीं लगती है, तीन तीन चार पढ़ता हूँ और मुझे बहुत कुछ मिलता है। मेरा जो आयु है वो आपको मिलना मांगता है ऐसा मुझे लगता है। अभी लोड शेडिंग खत्म हो गई है, अभी 3 बजे रात का मेरे को पानी छोड़ने का है, खेत में पानी छोड़ने का है, बाद में मैं लिखेगा। मैं बोलता हूँ ये जो खत है ना, 12वीं 17 18 साल का बच्चा, 20 साल का, मैं वहां तक समझ उसके दिल जी उसका बुद्धि तक जा सकता हूँ, ये मेरे को भारत रत्न से भी बड़ा मेरे को सर्टिफिकेट लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से ऐसा कुछ भी नहीं होना मांगता है कि उनको कुछ ऐसा लगेगा कि ये क्या आदमी है, इतना आदमी अच्छा, इतना बोलते हैं, इतना लिखते हैं और ऐसा करते हैं। चरित्र खुद में नहीं होता है, चरित्र समाज अपने को बॉन्डिंग करते हैं कि तुम तुम्हारा संभालो, कि हम तुम्हारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि तो मुझे मालूम है मैं क्या लिखा है, मैं क्या बोलता हूँ। वो तो जो तलवार की एक धार होती है उसमें तो चलना ही है। और मैं तो खुद ऐसा बोलता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जब रहते हैं आप, तभी आपका शाडो यानी छाया को भी संशय नहीं आना मांगता है, ऐसा तुम्हारा वर्तन होना मांगता है। मेरा वर्तन तो वैसा ही है अभी तक, वर्तन में कुछ जरूरी नहीं है, हमारे को तो कोई को कुछ शक लेगा और समझो कुछ रहेगा, कुछ हमारा हम देख लेगा, इससे और मेरा लिखने का और बोलने का कुछ भी संबंध नहीं है। जो व्यवहारिक है वो मैं छोड़ा नहीं है कभी, शरीर का व्यवहार भी नहीं छोड़ा है, मानसिक व्यवहार भी नहीं छोड़ा है और अर्थकारण का व्यवहार भी मैं ये नहीं किया है। अरे मैं जो ऐसा एडिटर हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दिया है काम का और ज्यादा से ज्यादा कंपनी से पैसा लिया हुआ हुआ है, लोगों पत्रकारों की बहुत एक आदत होती है कि हमें कुछ मिला नहीं, हमें बहुत मिला। जो प्रवाह के ये जाते हैं, प्रवाह के साथ जाते हैं, वो तो समुन्द्र में खलास हो जाते हैं, वो गटर भी जाते हैं, गटर का पानी भी जाता है और गंगा का पानी भी जाता है, वो प्रवाह के विरुद्ध रहे जो चलता है उनका ऑक्सीजन उसका आगे आगे कम हो जाता है, उसके उसको ज्यादा उनको फाइट करना पड़ती है, लेकिन प्रवाह के विरुद्ध जाने वाला जो पानी होता है ऊपर तक लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों का मेरे ऊपर ध्यान है, इसलिए मैं ठीक से रहना मांगता हूँ कि उनके कुछ ठेस पहुंचेगी, ऐसा मेरा मेरे पास से गलतियां होनी नहीं मांगती है, इसलिए मैं उतने में क्या बोलता है अवधान रखा। और माँ थी, बहन है, सिस्टर है, भाई है, उनको भी हम कुछ बात करेंगे तो अच्छा ढंग से उनको लगना मांगता है कि ठीक है वो जो बोलते हैं खुद में फर्क है उसमें, लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ साधु पुरुष विरुष ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, यानी लोगों को बोलेगा कि नहीं तुम संत है करके पैसा भी लिखे जाएगा, कोई धंधा नहीं करेगा। मैं मेरे को व्यवहार का काम अच्छा ढंग से समझता हूँ, सब करता हूँ और इसलिए तुम्हारा प्रगति हो जाता है ना। नहीं तो जो मोक्ष की बातें करते, मोक्ष तो हम तो मानते ही दिखते नहीं, शरीर सा जो है, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ कि खुद के ताकत के सब बात करना मांगता है कि नहीं ये शरीर की जरूरत है, तुम ही कभी मन की बात करते हैं कभी शरीर की बात करते हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा। मन जो है वही शरीर, शरीर जो है वो मन बनाता है, यानी जो शरीर में जो कोई साधु पुरुष रहेगा कि कभी है उसने गालियां नहीं दी है, लेकिन चलते चलते उसके पाव में कुछ कांच लगी, कांच ग्लास लगेगा तो मुंह से नहीं लेकिन दिमाग में तो गाली आएगी ना, तो शरीर को ठेस पहुंचने के बाद तुम्हारा मन जाता है। कोई ऐसा भी ये देखो जो बेघर है, जिनके पास पैसा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसके शरीर के ऊपर सूट बूट डालो और जो गालीचा ऐसा नीचे रहेगा यानी अच्छा सॉफ्ट ऐसा जमीन रहेगा
तो उसके दिमाग में जो टच होता है शरीर को, उसके दिमाग में तो मन ऐसा रहेगा कि साला आलीशान में हम रहते हैं, हाई फाई में रहेगा, उसके विचार भी 5 स्टार हो जाते हैं, एक्चुअल नहीं होते, लेकिन वो कपड़ा अंदर नया डालेगा हम तो भी हमारे फर्क पड़ता है, इतनी शरीर की ताकत है। तो लेकिन मन को इतना समझना मांगता है कि हम कहाँ तक जाने का। तो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मुझे लगता है कि वहां में आप कंट्रोल में रहना मांगता है। कुछ भी बात है, आप तो आपके दिमाग में शायद सेक्स लाइफ ही रहेगा, वो तो बहुत कम, हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम रहता है वो। लेकिन जो पैसा लेना है, जो पत्रकार लोग खाते हैं, गोली मीडिया बीडिया चालू जो है ना, मैं तो ये मानता भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता है कि मेरे पास देखो, मैं जो लिखता हूँ पढ़ो, और आपको ऐसा बोल नहीं सकता कि गोली मीडिया नाम की चीज है। मेरे को अभी तक किसी ने थ्रेट नहीं दिया, वो देगा भी नहीं। और हम समझो, 100 गोलियां मारते हैं तो 2 खाने की आदत रखो ना। आपका काम जो है वो प्रामाणिक रहेगा, ठीक ढंग से रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये बात फिजूल होती है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। लोगों तक मेरे इतना डिटेल में कभी बात भी नहीं किया किसके साथ, और किसके आगे भी करूंगा ये भी खतरे है, 100% नहीं बोला, क्योंकि आप तो मेरे अच्छे पहचान वाले हैं, इसलिए मैं बात को शेयर कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आपके काम में और आपका प्रोफेशन में ये बात करने की भी जरूरत नहीं है, उसकी आपके काम में कुछ असर नहीं पड़ेगा, पड़ता भी नहीं है। आपने कहा कि संपादक करकर आप 90% काम करते हो और लेखक करकर 10% काम करते हो, इसके बावजूद आपको महाराष्ट्र में एक विचारवंत करकर जाना जाता है, वो आपके लेखन के कारण जाना जाता है। एक तरफ आपको विचारवंत माना जाता है, लोगों के विचार तैयार करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है, लोगों के विचारों की दिशा बदलने में भी आपका बड़ा सहयोग होता है, और दूसरी तरफ आप संगीत नाटक लिखते हो। ये दोनों चीजें कैसे आप प्राप्त कर सकते हो? अच्छा, केवल आप संगीत नाटक लिखते नहीं हो, उसमें अभिनय भी करते हो। हालांकि एक संपादक जिसको महाराष्ट्र में एक विचारवंत करकर महाराष्ट्र पहचानता है, ऐसे एक व्यक्ति ने एक नाटक में एक अभिनय करना, एक पात्र निभाना, ये बहुत हिम्मत का काम है। मुझे इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति इस ढंग से अभिनय करने वाले दूसरे दिखते, वो मोहन आगाशे, डॉक्टर मोहन आगाशे, लेकिन वो बहुत बड़े आर्टिस्ट करकर सबको पता ही है, बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट भी है और दूसरी तरफ बहुत बड़े आर्टिस्ट भी है। तो आपने खुद के ही नाटक में अभिनय किया है, दूसरे भी नाटक में अभिनय किया है, ये अभिनय का शौक भी आप कायम रखते हो, तो थोड़ा इसके बारे में जरा विस्तार से हमको समझाइए, बताइए। पहला आपने जो बोला कि आप विचारवंत है, तो मैं विचारवंत नहीं है। विचारवंतों ने जो काम किया है, आपके जैसे बहुत कुछ है प्रैक्टिकली जो करते हैं, उनको पहुंचाने का लोगों तक काम किया है कि जो इम्पोर्टेंट है वो करते करते तो अपने को कुछ सोच बदलती है ना। जैसा आप भी है, दाभोलकर भी है, और कुछ है, बहुत लोग है जो संत है, सुधारक है, हर बात लोगों के पास थोड़ा थोड़ा तो है। तो कोई विचारवंत मुझे, मैं तो खुद मानते नहीं है विचारवंत है, लेकिन जो विचार बदलते हैं, क्योंकि लोगों तक वहां तक जो विचार है, महात्मा फुले जी ने क्या बोला है, आगरकर ने क्या बोला है, और कुछ रहेगा, और कुछ पंजाबराव देशमुख ने क्या बोला है, या शिवाजी महाराज ने क्या बोला है, कि उनका कार्य से हम क्या लेना मांगता है, वो अच्छा ढंग से लोगों तक पहुंचने का अपनी कोशिश होनी मांगती है। कि हम तो इतना बोल सकते ना, शिवाजी महाराज ने इतने सब किल्ला किल्ला जो फोर्ट है वो जीत गए, लेकिन तो भी उसने कभी सत्यनारायण नहीं डाला है, सत्यनारायण की पूजा रखी नहीं है। ये बोलने के लिए वो उसमें विचार क्या है, ये तो सोच है ना। तुम्हारी सोच बदलो, तुम्हारे पास पैसा आने के बाद तुम व्यर्थ खर्च कर देते हैं, और रोकने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ये विचार हम लोगों तक पहुंचा, घटना घटती है तो उसके बारे में आप कैसे देखने का, वो करने का काम हमने किया है। वो इसलिए तो पहला मैं विचारवंत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कला नाम की ऐसी चीज है, जैसे अपन वक्तृत्व कला बोलते हैं, लेखन कला है, हमारे दिमाग में बहुत आती है, लेकिन जो कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम हमने करना मांगता है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी मैं ड्रामा लिखा, जो पहला जिनको या दाई दिशा, तो शाहू फुले, अंबेडकर, शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले और अपना ये जिजाऊ जिजा माता आ जाएगा तो क्या बात करेंगे,
वो करेक्शन के लिए था। एक तो लोग एक बाजू ऐसे बोलते हैं कि आज शिवाजी होते तो सब लोगों को ढकल भी देते थे रायगढ़ के ऊपर से, ये बात भी गलत है। हम कभी सोचना मांगते हैं, हम जिनके विचार लेते हैं, क्योंकि यही जो पात्र है हिस्ट्री के पात्र है, और राम और कृष्ण ऐसा क्या काल्पनिक पात्र नहीं है, दैट इज ए रियलिटी। 150-200 साल के पहले के लोग है, तो उसने तभी जो विपरीत परिस्थिति थी तभी भी उन लोगों ने इतना काम जो किया हो, उनका तो विचार हम तो लोगों तक लेके जाने का। तो मुझे ऐसा लगा कि ड्रामा नाम क्या ऐसी चीज है कि वो जीवन तक लाए, नहीं लाइव उसमें होता है। पिक्चर में कैसा होता है कि उसमें आप ट्रिक्सिंग डाल सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं और कुछ हो सकते हैं। ड्रामा नाम की ऐसी चीज है कि जो प्रैक्टिकल, जो जितना ह्यूमन पॉसिबल है उतना ही उसमें स्टेज पे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तुम ट्रिक करेगा दिखाएगा तो ट्रिक है, वो वहां ध्यान में आता है कि भाई ये ट्रिक है, वो ट्रिक ढंग से देखना पड़ता है। तो हमारे मराठी में ड्रामा का बहुत परंपरा है, जो महात्मा फुले ने खुद ने एक ड्रामा लिखा है, जो सबसे पहला ड्रामा उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं किया लेकिन लिखा है, तृतीय रत्न नाम का। उसने क्यों लिखा कि वो जीवंत है, जो कॉस्ट्यूम जो होता है, कॉस्ट्यूम ड्रामा जो होता है वो इफेक्टिव रहता है। आज महाराव बोलेगा तो महाराव का जो बात, जो पढ़ाई किया उसने, जो अभ्यास किया स्टडी किया, वो हिसाब से बात करेंगे। लेकिन जब भी कॉस्ट्यूम डाल के जब भी आता है शिवाजी या शिवाजी महाराज या महात्मा फुले, तो लोग जो प्रेक्षक होते हैं, वो जो व्यूअर्स होते हैं, वो महात्मा फुले क्या बोलते हैं इस ढंग से बात सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कला का पहले से देखता हूँ, और मुझे लक्ष्य ध्यान में आया कि मराठी ड्रामा है वो घर के बाहर ज्यादा नहीं निकला है। वो घर में क्या होता है, सेक्स लाइफ क्या होता है, मेंटली प्रॉब्लम क्या होता है, और कुछ इसमें फंसा हुआ है, वो घर घर घरेलू जैसा जो जैसा टीवी पे दिखता है वो ही है। इसके पहले भी अच्छा कुछ बहुत ड्रामा किया था, सोशल रिफॉर्मिंग में मराठी ड्रामा इफेक्टिव बहुत उसने काम किया है, लेकिन वो जुनाई हमने दिखाने का क्या। आज के तारीख में जो लोगों को जो विचार मांगता है, जो विचार देने का है, वो मुझे मुझे लगता है कि ये जो बड़े हिस्टोरियन पात्र थे जो शिवाजी महाराज है, वो इफेक्टिव रहेगा। उसमें भी हम जो सोशल रिफॉर्मिंग जो शायर थे अमर शेख, शायरी साबळे और अण्णा भाऊ साठे और आत्माराम पाटिल, उनका जो शायरी किया उसने, वो भी मैं उनमें इंक्लूड किया। और मुझे लगा कि ये तो खुद कोई करेगा नहीं, हम तो मैं बहुत लोगों को बोला कि तुम डायरेक्ट करो, मैं तो खाली ड्रामा में काम करता इतना ही नहीं है, ड्रामा प्रोड्यूस भी करता हूँ मैं, मैं प्रोड्यूसर भी है ड्रामा का, और व्यावसायिक नाटक का मैं उपाध्याय, जो संघ है हमारा, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो टोटली बिजनेस अलग है। तो ये इसका उपयोग हम कैसा करना मांगता है, तो मुझे ऐसा लगा कि हम ध्यान देना मांगता है, हमारे लिए कोई लोग आएगा नहीं। हमारे बुक्स है वो हमें निकलना मांगता है ना, मेरे जो बुक्स है, जो मुझे ना मालूम है कि बुक्स का कीमत जो है वो 70 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो 300 पेज है इसलिए 300 रुपया रखेगा, तो पब्लिशर और दूसरा कोई लेगा ना पैसा। मुझे लगता है कि जिसको विचारों की जरूरत है वो तो कम पैसे वाले लोग हैं, उसमें खिसा में हाथ डालने की उनको आदत नहीं है, वो तो उनको फुकट भंडारा मिलता है खाने का, सब जगह जो कुछ है, जो दूसरा जो प्रतिगामी विचार है उसमें तो उनको मिलता ही है। वो कम से कम पैसे में हम कैसा दे सकते हैं, जैसा हम बुक का सोचा, तो बुक हमारा आपका बुक आपको ही लिख निकालना पड़ता है ना, पर आपका पहचान वाला कोई रहेगा कि जो आपके विचारों के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम दूसरे को देगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा ना, हमको खुद को वहां आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एंटर होके, वो मुझे मालूम ही था, जो थोड़ा दिक्कत आ गई, लेकिन दिक्कत आते समय थोड़े थोड़े होके हो गया, उसमें अंदर से जो बात आती है ना वो लोगों तक पहुंचती है, लोग बहुत आपको हेल्प करते हैं। मुझे मालूम है कि जब भी शुरू में मैं अच्छा नहीं था जो स्टेज के ऊपर चलना गाना, लेकिन लोग ने सहन किया है, तो सहन करने के बाद मैं जो आज है, मैं आज आगे हूं। मैं ऐसा लगता है कि न हम देगा तो लोगों को मालूम है कि अच्छा ही रहेगा। तो इस ढंग से सोशल रिफॉर्मिंग का जो काम रहते हैं, मुझे लगता है कि एक जो बुक पढ़ के जो नहीं होता है वो कॉस्ट्यूम ड्रामा में, एक ड्रामा में बहुत चेंज होता है। जैसा मैं जिनको राही दिशा का जो ड्रामा किया, वैसा मैं धालीन लोटांगन का ड्रामा है, उसमें जो आज का देश में माहौल है वो सेम टू सेम, आसाराम अंदर जाएगा वो मैं 2010 में वो ड्रामा में दिखाया है,
जैसा वो जो बुआ रहता है, जो कुछ आसाराम जैसा आध्यात्मिक पुरुष रहता है, उसका धंधा क्या चलता है, और पॉलिटिशियन और ये सब आध्यात्मिक वाले जो बात करते हैं, उनका अंदर का अलायंस कैसा है, वो मैं बुक अपना वो ड्रामा में दिखाया। वो जब भी ड्रामा दिखाने का था, वो मैं सेक्स माइनस करके दिखाया, यानी ये जो लोग सब अंदर गए वो सेक्स का हिसाब से गया, वो खत्म करके वो जो सेक्स का उनका जो धंधा चलता है वो तो दिखाने की बात है, उसके आगे उनका जो पैसे का जो धंधा चलता है, पॉलिटिशियन का अलायंस चलता है और कुछ रहता है, वो मैं दिखाने की उधर में कोशिश किया, और वो इफेक्टिव रहा। जो मैं उसका लगभग 100 प्रयोग किया, मैंने एक शो किया उसका 2 साल में, तो उसमें हम दिखाने के लिए जो दुर्जन शक्ति है वो एक साथ कैसे उनका अलायंस होता है, और जो सज्जन शक्ति है वो क्यों नहीं उनका अलायंस होता है, तो उनका अहंकार ज्यादा आता है। और मैं मुझे लगता है कि ड्रामा में इसे मैं दिखाया, और सत्संग दिखाया, उसमें सत्संग क्या अंदर धंधा चलता है, वो तो पूरा उसका जो पोस्टमार्टम ही इसमें किया है। वो जो सुशिक्षित लोग है, पढ़े लिखे हुए, जो जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि पढ़े लिखे लोगों ने हमारा देश का सत्यानाश किया है, क्योंकि वो विचारों से प्रामाणिक, जो हम पढ़ते सीखते उससे प्रामाणिक नहीं रहते, वही मैं दिखाया। जो एडवोकेट है, जो अपना टीचर्स है, या पैसे वाले लोग है, वो कैसा लोगों तक तो अंधश्रद्धा का फैलाव करते हैं, वो खुद पहले जाते हैं, बाद में लोग ऐसे होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी जहाँ जाएगा कोई धर्म है कोई अच्छा है, तो बाकी के लोग कैसे जाते हैं, और पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिशियन उसका बेनिफिट कैसा लेते हैं, वो मैं 2010 में दिखाया, और 2014 में वैसे के वैसा चित्र देश में तभी से अभी तक वैसे सेम टू सेम एज इट इज है। तो मुझे लगता है कि हम जो सोचते हैं ऐसा जो देना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि जो जो माध्यम रहेगा वो माध्यम से दे दो। गाना यानी वो गाना ऐसा भी नहीं है, गाना जो है को लोगों को पढ़ाने, जैसा घालीन लोटांगण में हमने वो बुआ का काम किया है, नहीं जो जो आध्यात्मिक पुरुष का, उनको खुद बनने का नहीं है, लेकिन धंधा है, वो जो उनका फ्रेंड है वो धंधे के लिए उसको कैसा बनाते हैं, उसमें जो ये जो आध्यात्मिक सत्संग में क्या होता है, फिल्मी गाना लेते हैं, जूना संतों का ये लेते हैं, कुछ दो लाइनियां उसमें ऐड करते हैं, तो आपको तो मालूम रहेगा कबीर का दोहा है, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, खुद के भीतर देख लिया मुझसे बुरा न कोई। आध्यात्मिक पुरुष ने लोगों को बोलते ना तुम सुधारो, तो उसमें खुद में देखेगा ना, तो उनको लेगा लेगा ये कितना हरा हरामी है, तो उसमें मैं आगे जोड़ दिया, रहीम में जीवा बावरी कह गए सूरज पता, खुद तो भीतर बैठ चुकी जूता खाए कपाल, ये भी रहीमन का है। और जो तीसरा जो अंतरा है उसमें मैं लिखा, झूठे बंदे रण चढ़े मर्दों की बेहाल, सच बोलो तो बुरा लगे हराम माला माल। जो झूठा लोग है उनको मैं तो खड़ा बाजार में लिए कटोरा हाथ, उठ सके जो झूठा अपना चले हमारे साथ। ये विडंबन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जूना नया करके वो मिक्स करके हम लोगों को असर डाल सकते हैं, क्योंकि लोगों को समझना मांगता है कि आज भी आसाराम अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र में उसको 250 आश्रम है, उसमें कुछ भी धक्का नहीं पड़ा है, यही जो धंधे वाले हैं उनका धंधा बराबर चलने के लिए एक आसाराम खड़ा कर, जो 7-8 साल अंदर जो आदमी है उसके पीछे लोग कैसे रह सकते हैं। आप यूट्यूब में देखो ना, वो बोलते अंदर रहेगा तो हमारे अंदर है ना, वो हम तो उसको कितना प्यार करते हैं, कितना उसके ऊपर श्रद्धा है, लोगों को तुरुंग में जेल में जाने के बाद भी इनका इनका झूठापन और उनको चलाने वाले का झूठापन नहीं देखता है, तो और क्या मांगता है, ये तो सत्संग नहीं है, इसको सत्संग नहीं बोलते। और दे आर वो लोग जो मिस यूज ये इंस्ट्रूमेंट का करते, टेक्नोलॉजी का करते, या यूट्यूब में जाएगा तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि ये गाणगापुर के इधर ने तो सांगली में कोई एक बाबा है, उसके जो गुरु दत्त गुरु आता है और सब उसका जो भूत-प्रेत खेत है वो उतर खलास करते हैं, ये सब है ना, ये मिस यूज है टेक्नोलॉजी का। आप जो बोलते हैं ना ये लोग कि विज्ञान जिधर खत्म होता है उधर अध्यात्म शुरू होता है, तो अध्यात्म के लिए विज्ञान का इंस्ट्रूमेंट क्यों लेते हैं, ये अपने क्वेश्चन मुझे लगता है उसके लिए जो आर्ट है वो इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए मैं वहां हूँ।
और मुझे ऐसा वो आनंद तो मिलता ही है, अच्छा ही है। और जो अभी हम जब भी होते हैं उसमें कोई छोटा सा छोटा काम करेगा तो सबको हिम्मत भी मिलती है काम करने की, हिम्मत बना करने की बात ही नहीं है। कोई सेंसर अपने सर्टिफिकेट रहता है, लोगों तक पहुंचाने का अपने का अपना काम है। और एक कला को जो हम लिखते हैं, एक आर्ट है, वो लिखने को समझो अभिनय की जोड़ देगा, ताने की जोड़ देगा, तो एक कला को दूसरी कला आएगी, तो 1 + 1 = 2 नहीं होती, 11 होती है। इसलिए जो कुछ सीखना पड़ा मुझे, वो सीखा, और सबने वो सीखना मांगता है, हर ढंग से उसके ऊपर अटैक करना मांगता है कि अपने को जो नहीं मानता है, जो गलत है, वो दिखाने के लिए। मैं बोलता कि सत्य दिखाने की बात ही मत करो, जो झूठापन है उतना ही दिखा, सत्य अपनी जगह है, वो तो खत्म नहीं कोई कर पाएगा, लेकिन जो सत्य के आगे जो झूठापन है, वो झूठापन देने की दिखाने की काम वो मेरे जर्नलिज्म से जितना हो सकता है, या मेरे को कला में से, गाना से, और कुछ में बहुत है, गाना अच्छा भी है बहुत, तो उससे हम लोगों तक पहुंचना जाना मांगता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं काम में है। और विचारवंत बोला गया तो प्रैक्टिकल होना मांगते ना, बुक तो क्या लाइब्रेरी में रहेगा, घर में रहेगा, लेकिन लोगों तो जीवन तक जो आप दिखते हैं, वो बात करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, लोगों को उसमें हिम्मत मिलती है। आप बोले वो सही बात है, हर ड्रामा का प्रोग्राम के बाद सैकड़ों लोग आते हैं, और लोग बोलते भी हैं कि हम पहले ड्रामा आपका शो देखता होता था तो हमारा 10 साल फेल नहीं हो जाता था, यानी गलत ढंग से हमने पैसा खर्चा किया, टाइम वेस्ट किया, वो नहीं होता था। आज के इसमें कोई भी मेरे सामने 2 मिनट में मैं उसको टर्न करता हूँ, क्योंकि तो उनको इतना ही बात करता हूँ कि आपका सब अच्छा है, लेकिन 2 पीढ़ी आपका पीछे की बात देखो, आपको उसमें सब आंसर, आपको आपके सवाल का सब जवाब उसने दे के रखा है, कुछ भी नहीं था तो भी उन लोग ने ढंग से आपकी अपनी प्रगति की। आप प्रगति होने के बाद, आप आईटी बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, आप ये सब कर्मकांड में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपके पास पैसा आया है, आपको धर्म मालूम नहीं है, आपको खाली कर्मकांड मालूम है, उसको आप धार्मिकता बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको काम करने का होता है उसने अलग अलग ढंग से जिधर किधर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम ऐसा ड्रामा हमारा करेगा, और खुद का ड्रामा करेगा उतना ताकत से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नहीं करते इसलिए मुझे आना पड़ा ना, क्योंकि एक तुम रैशनलिटी के लास्ट एंड पे जाके काम नहीं कर सकते। आपको अध्यात्म के बारे में बताने का है, भ्रष्टाचार का, अध्यात्म का भ्रष्टाचार बताने का है, तो अध्यात्म लेके लेके ही वो भ्रष्टाचार आना मांगता है, यानी वो ड्रामा में प्रासा दिखता है, तुम कुछ लेके जाता है उसमें। हम ऐसा बोलते नहीं, ये झूठ है, ये सच है, तुम फंसो मत। इसमें दो ही जाती है समाज में, एक फंसने वाली और दूसरी फंसाने वाली, एक फंसने वाली और फंसाने वाली। फंसाने वाले कम रहते हैं और फंसने वाले ज्यादा होते हैं, और फंसने वाले फंसाने वाले का मार्केटिंग करता है, क्योंकि हम फंस गए तो दूसरे को उधर लेके जाने का वो धंधा करते। मुझे लगता है कि वो मैं लिखने से, वो ड्रामा में से मैं अच्छा ढंग से दिखाया। आपका आपका नाटक मैंने देखा है। आप अभिनय भी बहुत अच्छा करते हो, गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। ये एक नया आपका बहुत अच्छा परिचय है। अभी महाराष्ट्र को वो भी परिचय बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप बहुत आक्रामकता से अपने विचार रखते हो, लिखते हो, बोलते हो, शाहू फुले अंबेडकर जी के विचार सामने रखते हो। तो काफी लोग कहते हैं कि आप यानी खास कर ज्ञानेश महाराव जो बोलते हैं, वो ब्राह्मणों का बहुत द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों के बहुत खिलाफ बोलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? द्वेष करने के लिए किसके पास कुछ होना मांगता है ना। हम द्वेष कभी करेंगे, मानव जी के पास है वो मेरे पास नहीं है, तो हमको बुरापन लगेगा ना, झूठापन बनाना दिखाना, वो द्वेष नहीं होता है। तुम धंधे में बैठा समझो, आप मच्छी क्या बोलते हैं, आपका मच्छी बिकने वाली होती है ना, उसमें गफला किया धंधे में, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे ना। तुम कर्मकांडों का धंधा करता है तो कर्मकांड झूठा बोलेगा तो ब्राह्मणों के खिलाफ कैसा जाता है, कर्मकांड के बारे में हम बोलते हैं ना। आप खुद के ऊपर क्यों लेते हैं, और लोग बोलते हैं कि हम तो क्या बोलते हैं,
डीकास्ट हो गए, जातीयता बुरी है ना, जातीयता बुरी है तो सब बारे में बुरी है, वो ब्राह्मणों की बुरी है और मराठों की अच्छी है, क्षत्रियों की अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अहंकार ठोकना ठोक ठोक के सीधा करना मांगता है, समझा कि नहीं? वो लोग क्या बोलते हैं उनको मालूम है, हमारे मराठी में एक कहावत है, बाजीराव ने रखी तो मस्तानी बोलने का और दूसरे ने रखी तो उसको रखेली बोलने का, समझा कि नहीं? ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मणों ने क्या लिखा है ना, वो पहला पढ़ना मांगता है, जो बोलते हैं उसने लोकहितवादी पढ़ना मांगता है, आगरकर पढ़ना मांगता है, वो उसने क्या क्या लिख के रखा है यदि पढ़ के पढ़ना मांगता है उसने, थोड़ा थोड़ा जो जिसमें अलग अलग ढंग के। हम तो महात्मा खुले बोलते ही नहीं है, और गलत क्या है, जहां जातीयता है किसकी भी होने दो, है ना, तो उसके खिलाफ हम लड़ते समय जो आएगा उसको हम ठोकते हैं। हमें ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों का बड़े जाओ नहीं मांगता है, मराठों की मस्ती नहीं मांगता है, बहुजन की बलुतेदारी भी नहीं मांगती है, और शूद्रों की दलितों की दलबदरी राजकारण भी नहीं मांगता है। इसमें सब में मनुवाद, मनुवाद मीन्स तुम्हारा आपको चैलेंज देता है ना लोकशाही को। हम लोग कैसे, हमारे ऊपर लिखा है ना, क्या मानव जी होते मालूम है कि आपके ऊपर बोला मैं आपका और कुछ गलती आके आप मेरे ऊपर बोला, तो मैं समाज को पकड़ के रखने का। हम पुरंदर के बारे में बोला, हमने क्या बोला कि उसके पहले भी बोलते थे ना लोग, वो 40 साल 50 साल लिखते, वो ब्राह्मणों के खिलाफ कैसा हो सकता है? सावरकर के बारे में जो कुछ लोग जो इंफॉर्मेशन आती है वो लोगों तक तो दिखाएगा, तो उसमें ब्राह्मणों का क्या संबंध है? बोलो, वो सावरकर ने काम किया, जो गलतियां रहेगी कुछ और अच्छापन बुरापन कुछ भी रहेगा, तो ये आदत है ना, ये वही जो ढोंगीपन है ना, वही उनको तकलीफ होता है। हम तो सबके ऊपर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद के ऊपर लिखा वो पढ़ते हैं, जरा दूसरे का भी देखो। तो ये जो बात है वो गलत है, जो है वो है, समझा कि उसके ऊपर जातीयता बुरी है तो उसके खिलाफ हम रहना मानता है, ऐसा मुझे लगता है, और लोकशाही में उतना अधिकार है, वो व्यक्तिगत नहीं है और समाज के ऊपर तो नहीं है, समाज के ऊपर उसने दिखाना मानता है ना कि समाज के ऊपर लिखा है, समाज के ऊपर तो अहंकार आप लोगों ही उनको उनको समझना मांगता है। एक डिबेट था डोंबोवली में, उसने डिबेट का सब्जेक्ट ऐसा था कि जो समाज को सीधा करने वाला और लाइन देने वाला आदमी, सीधापन की लाइन वाला, खुद कैसे उल्टे चल गए। अरे खुद को क्या समझता है, कौन सा अधिकार है, अहंकार है, तुमने क्या समाज को दिया है? ऐसा कुछ समाज, एक आधा समाज बाकी का समाज को दे सकता है क्या? ये जो अहंकार है ना, जब तक खलास नहीं होता है तब तक तकलीफ हो ही जाएगी, वो तो निसर्ग का नियम ही है ना। जेम्स लेन की जो लड़ाई हुई, जेम्स लेन उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब के बारे में काफी महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, चर्चा हुई, क्योंकि उसमें जिजाऊ के चरित्र के बारे में कुछ ऐसे उल्लेख थे कि जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में बड़ी हलचल मची, और उस आंदोलन का नेतृत्व आपने बड़े पैमाने पर किया था, वो चीज पूरे महाराष्ट्र के ध्यान में लाकर आपने दी थी, तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। काम करने वाला आदमी हूँ, लेकिन लेकिन संपादक करके अपने को जिम्मेदारी होती है, हर बात के लिए रस्ते पे आने की जरूरत नहीं होती है, संगठन करने की जरूरत नहीं होती। जेम्स लेन का तो आगे की बात है, महाराष्ट्र का स्वतंत्र विदर्भ का जो जब चला था आंदोलन 98 में 2000 में, तभी मैं लोगों को लेके रस्ते पे आया है। आपके जर्नलिस्ट में जर्नलिस्ट है वो ज्यादा उसकी नोंद नहीं लेते, स्वतंत्र विदर्भ का आंदोलन था उसके बारे में अलग बोल सकते हैं, लेकिन जो मंत्री होते हैं उसने शपथ लेते समय तो अखंड महाराष्ट्र का लिया है, तो दो मंत्री उसमें गए, हम तो 10-15 हजार लोगों को 2 दिन काम किया उसके ऊपर, बेलगांव के ऊपर काम किया, बेलगांव में आज 20 साल हो गया, बेलगांव का केस कोर्ट में है जो सुप्रीम कोर्ट में, वो लेके जाने का काम पूरा किया सब लोगों को लेके। और जो जेम्स लेन का काम था, तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो जब भी पढ़ा 6 महीना पहला, तो उसके ऊपर मैं रिसर्च किया, इसके पीछे कौन है क्या है, और जो जब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन था
तभी दिसंबर 2003 में हमने उसके बारे में लिखा। लोग ऐसे बोलते हैं कि पत्रकारों ने कुछ लिख के भी इसका फायदा नहीं होता है, लिख के कुछ समाज में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, तो जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते थे कि तुम गुलामी की याद दे दो लोगों को, वो तुरंत उसके ऊपर उठ के बैठेगा। तो ये जो गुलामी है लोगों को फंसाने की, वो फंसाने का बात के लिए वो जेम्स लेन की बात कर दी। हमेशा समाज में एक ऐसा वृत्ति है कि ज्ञान जो है जो हमारे पास ही है, दूसरे के पास नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई और कुछ है वो हमारे से दूसरे तक जाता है, ऐसा ही सोचते हैं। आपका समझो इधर यहाँ जादव साहब बैठे हैं, तो जादव को पूछेगा कि तुम इतना हफ्ते में इतना ऊपर लेवल का इसमें कैसे इतना सीनियर करके आए, तो बोलेगा मेरे को भोसले ने सिखाया। तो भोसले को सिखाने वाले कौन थे टीचर? तो सो एंड सो मोरे थे। मोरे को कौन थे? सावन थे। सावन को कौन 100 साल सिखाने वाले? कुलकर्णी गुरु जी थे। तो हमने ही सिखाया है, गुरु तो हम ही रहेंगे, गुरु जी भी हम रहेंगे, सब हम ही रहेंगे। कितना दिमाग में पॉइजन क्यों है? समाज को मानव धर्म की बात करता है तो तुम तुच्छता क्यों है लोगों के? तो जो बात की है, जो अपने जेम्स लिन प्रकरण में छाप के आया, तो बहुत साल से वो चालू ही था। वो रेड एंड पकड़ गए जिसमें वो भंडारकर संस्था था, अभी जो गलती है वो गलतियां मान्य करने का था उसका भी उनका। और विचारवंत, जो विचारवंत हम नहीं क्यों बोलते हैं, बहुत विचारवंत है अच्छे अच्छे, कि वो लोगों तक आना मांगते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी मांगते हैं। विचारों की चर्चा हो सकती है, अविचारों की कैसी हो सकती है? तुम किसके किसके ऊपर, माँ के ऊपर गाली देने का, उसके ऊपर क्या डिबेट रखने का, क्या मत दे दो इसके आगे नहीं चलेगा, इतना ही बात है ना। तुम उनको तत्वज्ञान की बैठक देते हैं, उसको पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं, ये शरद पवार ने किया और उसने किया, शरद पवार का संबंध क्या है उसका? लेकिन वो सब पेपर में से, मीडिया में से, वो सब फैलने का, पैसा जमा करने का, उसके ऊपर हम लोगों तक, हमें मालूम है कि हमें टीवी का जैसा उसका था, जेम्स लेन का था, तभी उसके ऊपर डिटेलिंग तो बहुत करेंगे। कि अभी हिंदी में मुझे इतना फ्लुएंटली बोलने को नहीं आते, कभी मांगता है तो मराठी में पूछो, सब बात बताएगा कितना हरामखोरी कितनी किया है। तो वो क्योंकि ये अपने को क्या इंटरनेशनल बनाने का नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन वृत्ति बताता हूँ उनका क्या है। वो वृत्ति तो पॉलिटिकल बनाने का। तब ये महाराष्ट्र भूषण के बारे में 2015 में पुरंदरे को पुरस्कार देने के बाद हमने बताया क्या गलती है और क्यों नहीं देने का। उस होने के बाद 16, 17, 18, 19, 20 4 साल फडणवीस ने क्यों नहीं दिया पुरस्कार? हम बोल सकते हैं क्या ऐसा कि बहुजन को देना पड़ेगा और खुद की ब्राह्मण देखेगा इसलिए उसने नहीं दिया? ऐसी बकवास हम करेगा क्या? लेकिन खुद के ऊपर सब ढाक के रखने का, बदनाम कर देने का, वो महात्मा अपना शिवाजी महाराज का चरित्र और अपना इसका जिजाऊ माता का चरित्र कोई लिखने से बदनाम होने वाला नहीं, उनका तो चरित्र पढ़ा ही है। लेकिन उनको जो मानने वाले, बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले, फुलेन के मानने वाले, उनका ही बारे में कैसे झगड़े होता है, कुछ गलतियां गलत बात जाते कैसे हैं उनके सेक्स लाइफ के बारे में और कुछ बारे में कैसा लिख सकते हैं? कोई कभी तिलक के बारे में ऐसा है क्या? वो भी मानवीय है ना, उसमें भी कुछ रहेगा ना, उनका भी प्रकरण है बहुत सा, आगरकर का है, सावरकर का है और किसी का है, कोई क्या जरूरत क्या उसकी? लेकिन खुद का अहंकार दिखाने के लिए और जाति श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए है तो आपको उसका पटका पड़ेगा। इसलिए हम लोगों में जाके प्रबोधन का काम किया, क्योंकि उसके ऊपर हम दबा देते थे, समझा कि नहीं? तो दबा देते थे तो आज की तारीख में जो शिवाजी महाराज का जो 3 करोड़ रुपए का जो स्टैच्यू बिचू का 30,000 करोड़ का जो चला है, उसमें तो बात अलग है। हमका स्टैच्यू के लिए वो किया नहीं है काम, लोगों के दिमाग में और दिल में होना मांगता है कि सोच कैसी होनी मांगती है आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच बनाने के लिए रास्ते पे आने का है, तभी रास्ते पे भी मैं आया है, आगे ज्यादा आएगा इसके आगे, क्योंकि तो जरूरत है समाज को, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है जर्नलिज्म और बाकी का, उसकी एक मर्यादा है। मैं सचमुच बात करता हूँ आपको कि मैं जर्नलिज्म में था, वो मर्यादा रखे मैं बहुत कंट्रोल में रहा,
वो मर्यादा नहीं रहती, लोगों के पास कैसा जाने का, लोगों को कैसा एक्टिवेट करने का, वो काम की बहुत जरूरत है। वो एक होने के बाद रिएक्शन में नहीं, तुम कायम एक्शन में होना मांगता है। हम क्या करते हैं, आज दूध पीना चालू किया गणपति ने, मूर्ति ने, तो उसके ऊपर बहस करते हो, वो नहीं होने के लिए क्या करना मांगते हैं, वो करने की आज भी जरूरी है। हर बात नया आता है, उसका मिस यूज करने का उसकी सोच उनको आती है। कश्मीर फाइल आ गया, रियलिटी पहला बताओ ना आपने, आने के बाद उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म करते हैं, आपको मालूम है सबको आने वाला है। तो पहला करने की बात, वो सोशल काम में काम करते हैं, उसकी जरूरत है, नहीं तो धंधा बढ़ाने की बात होती है। मुझे ऐसा कुछ करने का नहीं था कि ये आने वाला है, वो जाने वाला है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें प्रबोधन की श्रृंखला में किसी का फायदा नहीं होता है, लेकिन फायदा जो होता है समाज का होता है। उनको जो ताकत मिलनी मांगती है, मुझे लगता है कि वो ताकत मैंने तभी भी दी, आगे भी दी, लगभग 30 साल तो देते, जब तक मैं चित्रलेखा में से लेखन करता हूँ और जो भाषण भीषण बाकी का करता हूँ, इधर प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ करते हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर पत्रकारों ने करना मांगता है कि उसको ज्यादा मालूम है सबसे। अतः इसमें इसको किसी को लगेगा कि जात दिखाने की बात करता है और किसी के, हम उसके ऊपर दे सब किया है ना। वो जो सुमा गर्ग जो हमारे में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते, जो बहुत बढ़िया हस्तियां है, उसके एक काव्य है, और काव्य का पंक्ति का चार लाइना ऐसा है, सज्जन असता, आप यदि सज्जन हो, सज्जन असता कुजन मातता हत्यार हाता मदे धरा सौजन्याच्या बुरख्या खाली शेपूट घालून फिरू नका। इनका मतलब है, सज्जन आप यदि सज्जन है और दुर्जन अपनी ताकत चलाता है, तो सौजन्य की बात मत करो, जो हाथ में हथियार है वो लेके उसके ऊपर अटैक करो। वो तो इतने बड़े हस्ती ने बताया, तो हमने हम क्या, हम तो प्रैक्टिकल दिखाया ना। झूठ है उसको तो तकलीफ होएगा ही होएगा, वो होएगा इसलिए बम मारते हैं ना। तो अपना बात मैंने, इसका मतलब है कि अपना ये सही है बात। आज भी उसके ऊपर, आज जब भी हम 2005 में जब भी जेम्स लिन प्रकरण निकाला था, तभी आज भी आज लोगों को मालूम नहीं है जेम्स लिन प्रकरण क्या है समाज में, लेकिन तभी मैं प्रबोधन का काम किया, इसलिए आज के तारीख में कोश्यारी कुछ भी बोला, और रामदास यदि, संत रामदास यदि नहीं होते तो शिवाजी महाराज कहाँ के होते। 2 घंटे में सब उसको, उनका ये जो वर्ड है उसको माँ पीछे लेने पड़ा, उतना समाज तैयार करने की बात की। नहीं तो जेम्स लिन प्रकरण नहीं होते थे तो आज की पीढ़ियां ये बात नहीं करती थी। वो उसके ऊपर अपना कोश्यारी के ऊपर, उनके आजू बाजू में बैठे वैसे लोगों ने तालियां बिठाई, वैसे ही करे हो सकती थी। मुझे आज भी लगता है वो सावित्री बाई फुले के विद्यापीठ में जब भी वो कुछ गलत ढंग से बात किया उसने, तभी तो मंत्री थे 2-3, उससे खड़ा होके बोलना मानते कि बात मत करो, ऐसा लोग होना मानते आपके आज के तारीख में, छोड़ना नहीं मानता है, क्योंकि मानव मानवता के मानवीय के ऊपर जितना अटैक तुच्छ लेके तुच्छता रहेगा, तो उसके एक्शन में आप हमेशा रहना मांगता है। वो सावित्री बाई फुले का और हमारा संबंध कुछ नहीं है, महात्मा फुले अपना जीजा जीजाओ सा इसका हमारा कुछ भी नहीं है, जीजाओ और अपने शिवाजी महाराज का, वो तो उनके दो तो एमपी है, छत्रपति संभाजी राजे है और कुछ एमपी है, लेकिन हम समझते हैं कि वो तो खाली क्या बोलते हैं उनको, प्राइवेट प्रॉपर्टी संभालने के लिए, जो स्टेट संभालने के लिए वो है, बिचारों की स्टेट हम लोग संभालते हैं, तो हम संभालते हैं, हमारे जैसा हजारों आदमी है, आपके जैसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में कोई किसी को संत नहीं बोलता है, लेकिन आपका जो काम है वो सुधारो संतों के हिस्से और अलग नहीं है, वो तो लगने वाला ही है, वो तो आप मारने वाले ही है, लेकिन हम बोलते बोलते मरेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बोलना और लिखना छोड़ेंगे नहीं। ये जो बात है वो, इसमें द्वेष किधर है, इसमें द्वेष किधर है, इतना तो आक्रामकता होनी मांगती है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मैं जो पात्र जो जिनको राही दिशा में लिखा, तो वो पात्र में अपना प्रकाश अम्बेडकर भी वो सामने बैठे थे, तभी एक शो में आए थे, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर को मिलने के लिए 4 आदमी आते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे विचार देते हैं, आप बहुत कुछ अच्छे बोलते हैं, लेकिन आपकी भाषा क्या, हमने भाषा का क्या हो गया, हम किसको गालियां दी, नहीं आपकी भाषा खूब हेवी हार्ड रहती है, हार्ड रहती है, तो बोलते कि वो नरम रहेगी,
सॉफ्ट रहेगी तो खाने की है क्या भाषा? वो बाबा साहब अंबेडकर का मुंह में मैं डाला हुआ वाक्य है, उनका विचारों के लेके डाला हुआ वाक्य है। वाक्य ऐसा है कि हमें जो एक पेड़ है उसमें बहुत गाठी है, जो पेड़ है जो उसमें बहुत जुना है, वो जाति का, कास्टिज्म का, धर्म का बहुत उसमें गाठिया है, तो हमको तोड़ने का है। तो सामने वाला बच्चे को बोलता है, जो आने जो ऑब्जेक्शन लेने को आता है उसको बोलता है, आप दाढ़ी कैसे करते हैं? तो बोलता है, मैं दाढ़ी ब्लेड से करता हूँ, मेरा दाढ़ी सॉफ्ट है, मैं खुद का दाढ़ी खुद बनाता हूँ। और दूसरे को बोलते हैं, आप कैसे करते हैं? वो बोलते कि हमारा दाढ़ी एकदम हार्ड है, हमको वस्त्र ऐसे करेगा तो ही होता है, इसलिए सलून में जाना पड़ता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर उनको बोलता है, मेरा भी ऐसा ही है, जो जाति का गाठिया है, जो पेड़ का है, उसमें जो काटने के लिए एक्सो नहीं चलेगी, करवत नहीं चलेगी, उसमें कुल्हाड़ी होना मांगता है, वो मारेगा तो टूटेगा, इसलिए भाषा और बोलना आक्रामक ही होना मांगता है, हम क्या सॉफ्ट लैंग्वेज के लिए नहीं है। तुम इतना गंदापन किया है तो हम क्या मुंह से, इधर से नहीं, जबान से नहीं बोलता है, हम परा से बोलता है। वो जो है, तुम पराकोटी जब भी करता है तभी हमारा रिएक्शन तो वैसा आता है ना। बहुत सहन किया है लोगों ने, लोगों को गुलाम बना के, मानसिक गुलाम बना के बहुत सहन करने के आदत रखी है, उससे लोगों ने जितना जल्दी छूट जाएगा। शाहू महाराज का भी वाक्य में एक लिखा है कि जितना जल्दी आप बदल जाएगा उतना देश का विकास जल्दी हो जाएगा, इसलिए पागलपने बंद करो। किसी ने अपने ऊपर बोला तो विचारों का ले लो ना, हिम्मत ले लो ना, महाराव की रहेगा आपके अगेंस्ट विचार, ब्राह्मणों के रहेगा तो बोलो, ब्राह्मणपन छोड़ दो, सिक्का लिखा पड़ा है ना सब, करो नहीं धंधा भीख मांगने का क्यों करते हैं? हम तो पहले से ही बोलते हैं कि टेम्पल में बैठने वाला जो ब्राह्मण रहता है और टेम्पल के बाहर बैठने वाला भिखारी रहता है, एक ही लेवल का होता है, वो स्टोन के नाम से भीख मांगता है, पैसा मांगता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। वो हमको एस्टेब्लिश करने का, डरने का क्या है उसमें? ये नहीं बोलेगा, ये भाषा ऐसी होती मांगती है ना, तो उसमें गलतियां, मुझे तो कभी गलतियां, उसके लिए कुछ जो कीमत है वो तो हम तो चुकाते ही है, नया क्या, अभी क्या चुकाने का कुछ बाकी भी नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसी सोच उसकी होनी मांगती है, आगे जाना मांगता है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी हम इतने बात करेंगे तो 5% 10% काम रहेगा, हम बात ही आवाज नहीं, हम लाखों लोगों को बात करेंगे तभी 1000 आदमी तैयार होता है, और 1000 आदमी का असर लोगों के ऊपर अच्छा पड़ता है, आस्ते आस्ते करके लोगों को एक पीढ़िया दो पीढ़िया जाती है, तब तक वो आदमी चला जाता है। हमें बहुत ऐसे आदमी जब भी जिंदा होता है, अपने भारत देश में दो ही आदमी तीन आदमी चलता है ज्यादा, एक जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको तभी का तभी वो गोल्ड मेडल मेडल सब मिल जाता है, नहीं तो जो फिल्म वाले, अभी जर्नलिज्म में फिल्मी फिल्म वालों की राइटिंग, घोस्ट राइटिंग चलता है, वो क्या तुमको देने वाला है? वो तो दूसरे का वर्ड लिखता है, सब्जेक्ट लेता है और खुद एक्टिंग करता है। खुद कभी एक्टिंग करना सीखो, एक्टिव होना सीखो। हर लोगों ने वो सोचना मांगता है, जो हमने 10वीं तक पढ़ाई की उसमें से हम 10% भी लेगा ना, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे जर्नलिस्ट लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो है उतना ही अहंकार खत्म करने के लिए 10वीं में कक्षा में क्रोमोसोम नाम का सब्जेक्ट है कि 23 गुणसूत्र रहती है, एक्स एक्स रहेगा 23 में रहेगा तो बच्ची होती है, पिताजी के पास से वाई जाएगा तो बच्चा होता है, यानी उसने वाई दिया इसलिए महाराव मर्द बन गया, उसमें खुद की क्या है ताकत? मैं अहंकार क्यों दिखाने का कि मैं पुरुष हूं, उसमें अहंकार बोलने की कुछ बात है क्या? मैं मराठी हूं, उसमें अहंकार, मराठी भाषा, सब भाषा अच्छी है ना, हिंदी भाषा अच्छी है, कन्नड़ी भाषा अच्छी है, सब भाषा अच्छी है, मैं मेरा इन्वॉल्व, मेरा उसमें ये क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है? मैं मराठी हूं इसमें, मेरा कर्तृत्व क्या है? मेरी माँ मराठी, मेरा फादर मराठी, इसलिए मैं मराठी, मैं कुछ नहीं, मैं पुरुष हूं उसमें मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मैं मराठी हूं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, हमारे पास शिवाजी महाराज है, अरे शिवाजी महाराज तो विश्व वंदनीय है, बोलते हर फुट का चेन्नम्मा रहेगी, और बड़े बड़े लोग हर में रहेगा ना, राणा प्रताप रहेगा, हर आदमी बड़े, कोई अपने पुणे में आते हैं बोलते कि पुण्य नगरी है, पुणे पुण्य नगरी है, तो बाप बाकी के वो पाप की नौकरी है क्या?
कोई हमारे मराठवाड़ा में जाता है वो बोलते कि संतों की नगरी है, तो बाकी बचा हुआ महाराष्ट्र का चोरों की नगरी है क्या? ये अहंकार क्यों? एक बात हम एक बाजू से बोलने का, हम विश्व सब हमारा वसुदेव कुटुंबम की बात करने का, और प्रांतवाद भाषावाद जातवाद और स्त्री पुरुष, ये अहंकार को मैं हमेशा लिखने में और बोलने में रखा है कि अहंकार का खत्म होना जरूरी है। उसके ऊपर जो जितना ढंग से अटैक करने को करो, और वो कंटिन्यू चालू होना मांगता है, जो वो आदत से ही अपना प्रॉब्लम सब क्रिएट होता है ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी भाषा कड़क रहनी मांगती है, रहने तो थोड़े दिन। आपकी एक किताब है देवा धर्माचा नावान, इसने काफी बाबाओं को जिनको आप परम पूज्य कहते हो इनके बारे में लिखा है। आपके चित्रलेखा में आपने काफी बाबाओं के बारे में लिखा है, उसके बारे में कुछ आपको धमकी आई होगी, उसके संघर्ष हुए होंगे, कुट कोट कचेरिया हुई होगी, तो वो कुछ अनुभव आप सुनाइए। केस है पांडुरंग शास्त्री आठवले की केस है, वो हमने जीती है, लेकिन ये युद्ध नहीं है ना, ये सोच है। आपके इसमें कुछ गलतियां रहेगी, किसी ने करे एक्सेप्ट करो, आगे जाओ। कोर्ट कचहरी में क्यों जाते हैं ना, हमेशा मैं सनातन का है, उसके पास उसका प्रवक्ता था, वकील था, अध्यात्म में एडवोकेट कर लगाने की जरूरत किया है। लीगल सेल अध्यात्म में रहना मांगता है, इसका मतलब है आपका कुछ गलतियां आप करते हैं, इसलिए आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में लीगल सेल बनाना पड़ता है। वो सेल में का एक आदमी भी जो वकील है, जो तुम्हारा प्रवक्ता है, वही अभी दाभोलकर पानसरे केस में आरोपी करके है। ये गलतियां सुधार करो, वो हरना जीतना नहीं है, कोई बोलते नहीं है, हम करते। पांडुरंग शास्त्री का 11 केस था, हमने कभी उसका इशू भी नहीं किया, वो लड़ दिया ना। ये जो बुक है उसका इंटरेस्ट मैं बताता हूँ। ये जो केस जो है, तभी हमारे ऊपर नरेंद्र महाराज का लोगों ने, हमारा जो रिपोर्टर था उसके ऊपर अटैक किया था, फोटोग्राफर के ऊपर अटैक किया। वो 1996 में पब्लिश हुआ हुआ पुस्तक है, तभी हिंदुत्व की बहुत ताकत थी। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस के साथ आ गई, लेकिन तभी तो खूब बहुत बड़ी ताकत थी हिंदुत्व के बारे में। तो ये बुक का जो प्रकाशन था, वो बुक की अर्पण पत्रिका भी मैं प्रबोधनकार ठाकरे यानी बाला साहेब ठाकरे के फादर को अर्पण की। कभी बाला साहेब ठाकरे अपना प्रबोधनकार ठाकरे का जाहिर कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसके जयंती था, तो मैं बाला साहेब ठाकरे को बोला बोला कि आप ये पुस्तक का तो इनॉग्रेशन करने को आओ ही, समझा कि नहीं, लेकिन आप बुक के बारे में नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप प्रबोधनकार ठाकरे क्या थे उस बारे में बोलो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा लंबे लंबे से लड़ने वाला नहीं हूं, ये 96 की बात है, और उसमें उनको बोलना पड़ा कि आज जो तुम काम करते वो काम वो तभी करते थे, और जो उनका जो 45 मिनट का स्पीच है वो हर लोगों ने पढ़ना मांगता है, उसको हिंदू हृदय सम्राट बोलने के पहला वो पढ़ना मांगता है कि हम क्या उस बारे में उनका बोलना है, क्या बाबरी मस्जिद बारे में बोलना है उसका, ये अपने को मालूम नहीं है। क्योंकि रैशनलिज्म जो होता है ना, वो पॉलिटिक्स में अलग रहता है और सोशल में अलग रहता है, वो रियल रहता है, क्योंकि जो सामने जो आता है उसको आपको फेस करना पड़ता है। बाला साहेब ठाकरे ऐसा हिंदुत्ववादी, सब हिंदुस्तानी है तो हिंदुत्ववादी रहेगा ही ना, लेकिन जो ये हिंदुत्व बोलते हैं वो हमें मान्य नहीं है। जो प्रबोधनकार ठाकरे को भी मान्य नहीं था, बाला साहब को भी मान्य नहीं था। हम गाय को हिंदू के देवता मानते हैं, गाय घास खाते हैं, और गाय क्या देते हैं, गोमूत्र देते हैं और गोमय देते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से गोमय खाने को बोलेगा और गोमूत्र है वो पीने को बोलेगा, दैट इज गलत। वो दूध भी देती है ना, तो दूध आप शंकर के पिंडी में छोड़ने को मत बोलो। गाय का गोमय है उसका बायोगैस बनाओ, गोमूत्र है उसका फर्टिलाइजर में यूज करो, और जो दूध देते हैं उसका अच्छा मिठाइयां बनाओ ना, छेने की मिठाई बनाओ बनाओ। तुम गलत बात कैसे करते, ये हिंदुत्व की दोनों की धारा अलग है।
इन जो जो हिंदुत्व की धारा जो बोलते हैं वो सनातन धर्म का हिंदुत्ववाद है, वो हमेशा मानव का अधिपात ही करते हैं, किधर भी नहीं है। उसका जो कोटला कौन सा भी धर्म ग्रंथ निकाल उसमें मानवता की अधिपात उसने अधिक्षेपी किया है, उसमें कुछ अच्छा नहीं बताया है उसने। लेकिन जो हम हिंदुत्व हिंदुस्तानीपन जो मानते हैं हम, यहाँ जो है जो गाय को हम पवित्र मानते ही है, हम पवित्र मानते, लेकिन उसमें पेट में 33 कोटि देव भी है, कल्पना भगवान है, ये हमारी कल्पना नहीं है। वो अच्छा पशु है, उपयुक्त पशु है, वो सावरकर जी ने बोला है। वो सावरकर जी ने ऐसा बोला है, एक टाइम गाय की थोड़ी हत्या हो जाएगी तो चलेगी, लेकिन लोगों की बुद्धि की हत्या मत करो, ये सावरकर का वाक्य है, हमारा नहीं है। इसके आगे तो प्रबोधनकार तो आगे ही बताते हैं। तो हमने वो टाइम में उसके पास से ही उसका इनोग्रेशन करके लिया। और ये बुक में सब बुआबाजी वाला जो बुआ लोक है बाबा लोक है उसका पोस्टमार्टम किया है, लेकिन दिल में ऐसा होता है कि 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, लोग सुधरते नहीं है ना। और शिवसेना वाले सुधर गए, उसने बीजेपी को छोड़ा, वो अभी कभी आगे आके वो प्रबोधनकार भी चलाएंगे और जो बुआ बाबा के पीछे भी जाएंगे, जाना पड़ेगा उसको रहने का है, वो जरूर है, सबका जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम राइट टाइम राइट कुछ काम किया, उसका ये बुक है, उसका ये साक्ष्य है या इसका एविडेंस है। बाला साहब ठाकरे जी से आपके अच्छे संबंध आए। हालांकि आप विचार बहुत अलग ढंग के रखते थे, जनरली लोगों के मन में ये भावना होती है कि बाला साहब ठाकरे जी को ऐसे प्रोग्रेसिव विचार बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि शिवसेना कई बार उसके खिलाफ खड़ी होती थी। एक तरफ शिवसेना ऐसे प्रोग्रेसिव विचारों के खिलाफ खड़ी होती है चित्र महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ आप प्रोग्रेसिव विचार रखते हो, फिर भी बाला साहब ठाकरे जी के साथ में आपकी अच्छी मित्रता। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा और ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा, बाला साहब ठाकरे जी के साथ के आपके संबंध। नहीं, बाला साहब ठाकरे की मित्रता रखने की बात ही नहीं, वो तो बड़े बड़े थे, इससे भी बड़े थे, लेकिन मैं ऐसा मुझे समझता कि मुझे उसने समझ के लिया। पहला जो बुक था प्रबोधनकार ठाकरे का तो उसने ही दिया था मुझे, माझी जीवन गाथा, लेकिन मैं उधर रुका नहीं। मैं ऐसा किया कि उसमें जो रेफरेंस दिए थे उनके प्रबोधनकार के सब पुस्तक पढ़े, उसका फायदा मुझे एक हो गया, भाषा का एक ताकत समझ गई, और दूसरा विचार विचार खाली होके फायदा नहीं, विचार कैसा प्रेजेंट करने का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो विचारों की जो बेस था उनका, वो महात्मा फुले से था, उसने कभी ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बेसिक वो सत्यशोधक जो मूवमेंट का था उसका ही था। वो मुझे, मैं सबको बोलता हूँ, आजकल में जो कोई लिखता है, बाबा साहेब अम्बेडकर बोलो, शाहू महाराज बोलो, और कुछ बोलो, तो आज YouTube और सब ये सब जो डिजिटल है उसमें, उससे आज के तारीख में ओरिजिनलिटी अपने को बहुत नजदीक आ गई। यानी मुझे महात्मा फुले के विचार डायरेक्ट मिल सकते हैं ना, तो बीच में क्यों ही लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो तो बुक का रॉयल्टी के लिए करते हैं, आप ओरिजिनल पढ़ने की कोशिश करो। तो मेरा एक काम अच्छा हो गया कि प्रबोधन बाला साहब ठाकरे ने मेरे को प्रबोधनकार ठाकरे का बुक दिया, मैं उसके लेके उसका 46 बुक है वो पढ़ा, और बाद में तुरंत में महात्मा फुले के पास गया। तो महात्मा फुले का जो विचार है वो बेसिक ये रैशनल विचार है, उसमें बहुत कम एक कंपन है, यानी उसने अपने बलि राजा को आदर्श माना। मैं ऐसा बोलता हूँ कि उनका लिमिटेशन रहेगा, लिमिटेशन बोलेगा तो उनका उनका एक सोच रहेगा क्या है उसमें बारे में, या मोहम्मद को भी उसने राणा बोला बताया है, बहुत मोहम्मद पैगम्बर ने बहुत काम किया। आज के तारीख में जो पाकिस्तान और जो पैन इस्लामिक का जो बात करेगा वो तो मोहम्मद का विचारों से ही आगे आए हुए आदमी है ना, तो उसने तभी की सोच अलग थी सिचुएशन की। आज हम इस्लाम के बारे में आज के तारीख में देख के बात करते, लेकिन उसने तभी नहीं था, तभी उसने ओरिजिनल विचार के बारे में वो बोला है। वैसा महात्मा फुले का भी है, ओरिजिनल विचार मुझे मिला तो हम उससे फास्ट चले गए। तो बाला साहेब ठाकरे इतने अच्छे थे कि कभी उसका विचार और मेरा कभी भी मिलजुल के नहीं रहा। लेकिन जर्नलिज्म में मैं गलत नहीं करती, जर्नलिज्म में उसका इंटरव्यू लेने का है तो उसका इंटरव्यू लेने का है, उसको प्रेजेंट करने का है, ये मेरे ध्यान में था।
मैं उसका इंटरव्यू करने के बाद, लिखने के बाद, कवर स्टोरी उसका बनाने, मेरा एडिटोरियल है उसमें, मैं उसके ऊपर हमला करते थे। तो जो दो बात अलग होती है ना, दूसरे को बात करने को दे दो, उसका जो विचार प्रक्रिया पूरा करने, तो लोगों को पसंद भी पड़ेगा शायद, और मेरा उसमें जो रहेगा कभी ना कभी तो उसमें अलग रहेगा। एक टाइम ऐसा हो गया कि इधर सिद्धिविनायक, बम्बई में सिद्धिविनायक टेम्पल है, जो अभी पहला तो कोई नहीं, पहला तो लवर स्पॉट था वो, बाद में उसका अभी तो बहुत स्पिरिचुअल स्पॉट हो गया। पहले तो अच्छा ढंग से शांति से मैं बचपन में देखा है, 10-12 साल का था, स्कूल में जाता था, तभी वो लवर स्पॉट था अच्छा। लेकिन अभी वो अमिताभ बच्चन भी सब उसको अभी तो बहुत तिरुपति के आगे चला गया है। तो 2008 में टेररिस्ट का उधर हल्ला हो जाएगा, उसलिए उसने इधर वॉल बनाई बहुत, और अंदर जाने के लिए मैग्नेटिक का एंट्रेंस बनाया, तो उसमें चेकिंग हो जाएगा और भक्तों को बाद में अंदर जाने को। तभी राज ठाकरे का महाराष्ट्र निर्माण सेवा सेना तैयार हो गई थी, उनका और आरआर पाटिल का, यानी होम डिपार्टमेंट का, तभी तो होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, वाइस वाइस सीएमडी थे, डिप्यूटी सीएम थे, तो उनका और उनका झगड़ा हो गया। तो मैं लिखा था ऐसा कि उसका हिंदी में बोलता हूं मैं हेडिंग, कि लोगों का लीडर देव भगवान का डीलर कैसे हो गए, क्यों अंदर जाने के लिए एंट्रेंस क्यों तो नहीं, हम फूल माला क्यों नहीं लेके जाने का, हम अपना एक नहीं क्यों लेके जाने का, नारियल क्यों नहीं लेके जाने का, नारियल चढ़ाने का है। तो उसके बारे में बहुत झगड़ा हो गया था और 2 दिन उधर बंद था और एकदम सेंसेशनल परिस्थिति उधर तैयार हो गई। दैट टाइम में मैं ऐसा लिखा था कि हेडिंग तो ऐसा ही था, और एक कैसे शुरू हो गई, भगवान के डीलर कैसे बन गए पॉलिटिशियन, जो सिद्धिविनायक है, जो खुद को उसको संरक्षण नहीं कर पाता, खुद का सिक्योरिटी नहीं करता, वो लोगों की कैसा करेगा। वो लेवल लेके उसको, और ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के ऊपर बहुत टीका की थी, क्योंकि उन्हें ये सब धंधा शुरू किया, ऐसा मैं लिखा था, और बहुत उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके, प्रबोधनकार ठाकरे का रेफरेंस देके देके मैं लिखा था। तो इशू छापने के आने के बाद, पब्लिश होने के बाद, बाला साहब का फोन आया मुझे कि बहुत अच्छा आपने आर्टिकल लिखा है। तो मैं बोला कि सचमुच बोलते कि आपके ऊपर तो ठीक है, मैंने बस सच है, गलत क्या है उसमें, सब बात बराबर है, हमारा वो धंधा ही है ना पॉलिटिशियन का, आप आपका धंधा करो, हम हमारा धंधा करेगा। मैं बोला कि ऐसा कैसा बताए आपको, मेरे को तो आप मेरे को तो शाबाश की दिया भी, और आप बोलते कि तुम तुम्हारा धंधा करो, हम हमारा धंधा करो। तो उसने बोला कि आप आपका काम करो, आपका एज कितना है। तो मैं बोला कि मैं 48 का था तभी, 2008 का बात है। तो बोला मैं तेरे से उल्टा है मेरा आंकड़ा, मैं तो 84 का है, मैं 84 एज में मैं पॉलिटिक्स पता, पॉलिटिक्स करने के लिए झूठापन सच्चापन देखता नहीं, वो चला नहीं था, वैसे ही आप देखते रहो, आप एक दिन आपका नाम हो जाएगा, लोग देखते आपके ऊपर, ध्यान रखते, हमें भी समझता है जो पॉलिटिक्स चलता है लोगों के मूर्खता के ऊपर चलता है, आपको लोगों को अच्छापन दिखाने का है, अच्छा बनाने का है, हमें वैसा पॉलिटिशियन है, हमें यानी टोटल पॉलिटिशियन के बारे में बोला, और हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स के बारे में बोला, आपको लोगों को फंसाने का है ना, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो बोलो कि बाला साहेब ने बताया है, हमारा ये रिलेशन था। इसका मतलब है यथा राजा तथा प्रजा, ये पुराण कथा में रहता है, लोकशाही में जैसी प्रजा रहेगी उसको उसको नेता मिल जाएगा। लोगों ने खुद को दुरुस्त करना बनता है, जो आप काम करते हैं, आपका तो पूरी जिंदगी इसमें है, 50 साल 60 साल, ये जो काम करते हैं लोगों को समझ के लेना, आप बोलो या दाभोलकर बोलो, ये क्या गलत काम क्या करते, वो तो कमाने की बात नहीं करते थे कि हमारा विभूति ले लो, उसको 500 रुपए ले लो, इसका ग्रंथ ले लो, 500 लॉकेट बिके, ऐसे बात करते नहीं है ना, आप तो अच्छी बात करते हैं, लोगों ने समझना मांगते हैं, हम किसके पीछे रहना मांगते हैं। ये जो आसाराम देसा और चार आदमी को, और चार का चार तो पकड़ गए, बाकी के तो बहुत है, आप उसको सत्संग करके, सत्संग तो आप है सचमुच, जो आप करते हो लोगों को समझता नहीं है, वो समझने की सोचता
लोगों तक पहुंचने का काम ही हम करते हैं, और जो जितना तभी तब लाइव जो करने का, आज के तारीख में आज लोग विद्वान अपने इधर बहुत है। आज मराठा मोर्चा निकला, 6 महीने के बाद बुक लिखने वाले है, आज जेरूसलम की बात हो गई और 2 साल के बाद उसके ऊपर डॉक्टरेट मिलाने वाले भी लोग है। तो अपने को क्या वैसे करने का नहीं, जर्नलिस्ट करके आज की बात आज करना मांगते हैं, 2-4 साल के बाद नहीं हो जाएगी वो बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लोगों ने सुधारना मांगते हैं कि हमारे जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं रखनी होनी मांगती है, हम और कुछ काम करेंगे, अच्छा ड्रामा लिखेंगे, फैमिली ड्रामा भी लिखेंगे, कौन किसको एक काम करने का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुरुस्त तो होना ही मांगता है, लेकिन जो हमें जो इमीडिएट लगता है कि जो अंधश्रद्धा से निकलना मांगता है लोग, भक्तों की जो ट्रोलिंग जो सिस्टम चली है वो बंद होनी मांगती है, लोगों को कम से कम अच्छा क्या बुरा क्या सीखे हुए सुशिक्षित आदमी को तो समझना ही मांगता है, और जो समाजकारण में राजकारण में भी है उसने भी इनके बारे में ध्यान देना मांगता है, क्योंकि बेसिक वही है। आज हम एक दिन में कोई, आज पूरा महाराष्ट्र में बोलो या पूरा देश में भी बोलो, आज मंदिर खोलने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन 2 साल लोगों टीचर ने पढ़ाया नहीं, 10% का ही आपका फीस ले लो, इसके ऊपर आंदोलन हो जाएगा पूरा देश में, कितना हम पीछे है। दारू तो खुलवाई दी शुरू में, बाद में मंदिर के लिए आंदोलन देश पर हो गया, महाराष्ट्र में भी हो गया, लेकिन 2 साल हम पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, तो भी फीस आप 100% लेते हैं, हम देगा नहीं। आज पिक्चर टैक्स फ्री होने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन टैक्स फ्री होने की जरूरत है, ये जिनको समझता नहीं है, तो अपने को कितना काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अपने आंख के सामने सब ये चेंजिंग आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, आपको भी बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम आपके साथ काम करके बोलो, हंसते परसते बोलो, अप्रत्यक्ष रीत्या बोलो, हमने आपको कुछ सहायता हमारे काम से हुआ गई हो होती हो गई, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत संतोष है कि हम प्योर जर्नलिज्म किए, कि भ्रष्टाचार खाली पैसों का नहीं होता है, दिमाग का भी भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया इस साल, वो दिमाग का भ्रष्टाचार है इसलिए पैसों का भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हमको अच्छा क्या बुरा क्या समझना मांगता है, इसलिए जो मानवता की पहली जो आइडेंटिटी है, ह्यूमन इज ए सोशल एंड रैशनल एनिमल, सोशल समझ के ले लो, और जितना से जल्दी जितना रैशनल होता है उतना हो जाओ, ऐसे मुझे लगता है। क्षितिज, क्षितिज आप सुन रहे हो? जी सर। हाँ, आपको फोन कर किरण का फोन कर आपको सवाल पूछना है। अच्छा, हाँ आपके तरफ से कॉल नहीं लग रहा है क्या? हाँ। अच्छा, तो आप कॉल लगाइए और मैं सवाल पूछता हूँ, वो रिपीट कीजिए। एक सेकंड, आवाज जी। हाँ। किरण, आपको आवाज आ रही क्या? उनका बिजी आ रहा है। क्षितिज बोला, आवाज बंद था। हाँ ठीक है। महाराव जी, अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, तो आवाज, हाँ आता है आवाज। तो हाँ, तो आज जो पूरे भारत में एक प्रतिगामी विचारों का बहुत उन्माद दिखाई दे रहा है, उसके पीछे के कारण हम सभी जानते हैं कि केंद्र में इसी ढंग की विचारधारा की सरकार आई है, तो इस वातावरण में इतने सालों तक प्रोग्रेसिव काम करने के बाद, प्रोग्रेसिव विचार रखने का प्रयास करने के बाद, इतनी लंबी लंबी लड़ाइयां करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, अभी जो वातावरण पूरे देश में दिखाई दे रहा है, उस वातावरण में आपको कैसा लगता है? निराशा महसूस होती है कि और लड़ने की हिम्मत उसमें से बढ़ती है? निराशा नहीं होती है, जो सफाई कामगार रहते हैं ना, तो उनको तो कचरा ज्यादा मांगता है ना, तो ज्यादा सफाई का काम मिलता है, ये कचरा है उन्माद वाले को समझना मांगता है, जब तक उनके घर तक पहुंचता नहीं है तब तक उनको समझ नहीं आती है।
आसाराम के जिस बारे में जो जन को पकड़ा गया, जो दो बलात्कार होते समय वो पकड़ गया, वो दो बलात्कार का एक बलात्कारिता पीड़िता थी, उनका फादर मेरे पास आया और मुझे बोला कि मैं बहुत आपको डिटेल देगा, आप छापो। मैं कभी भी आज तक दूसरे को सुन के कभी छापा नहीं। बोले कि उसमें क्या छापने का है, हमने लिखने का वो लिख दिया। मैं उनको ऐसा बोला कि आपकी बच्ची है इसलिए आज आप आए, आप दूसरे की बच्ची होती तो आंदोलन करने के लिए आसाराम को पकड़ा इसलिए रेलवे रोको के लिए आप जाते थे ना। जब तक आपकी बच्ची, आपकी वाइफ, आपका पैसा, आपकी मेहनत जब तक वो लगती नहीं है उधर, तोलती नहीं है, तब तक आपको समझ नहीं आते। मुझे लगता है कि जितना नुकसान उन्माद है ना, उन्माद में नुकसान ही होने वाला है, उनको उन्माद में आनंद क्या मिलने वाला है? उतना अच्छा है ना, अपने लिए काम बहुत है, काम खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? बढ़ाओ काम, जितना बढ़ेगा उतना हमारी ताकत रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग ने सुधारना मांगता है, इसलिए मैं विनंती करता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी हमारा काम कम करो, खत्म करने के बाद कुछ नहीं होता है, हजारों महाराव के लाखों महाराव रहेगा, एक ही महाराव के सब आवाज तो आता ही है ना, काम करते हैं इसलिए हम ज्यादा काम नहीं लोग जुटते हैं। जो अपना नमक होता है वो टेस्ट के लिए इतना छोटा सा बस होता है। मुझे मेरा नाम कौन कौन लेता है? मैं हमेशा मैं खुश हूँ पत्रकार, पत्रकारिता करते समय चाहे बहुत गलत ढंग से लोगों का वाक्य का उच्चार रहता है, हमें हमारा नाम तो सब संतो जो संत बोलते हैं ना आजकल, तो उनके अनुयायी लेता है, कोई स्वाध्याय परिवार का रहेगा, कोई सनातन का रहेगा, और किसी किसी के कि महाराव नाम का कोई है या ऐसा है, तो अच्छों के लोग, अच्छा लोगों के पास मुंह में मेरा नाम आता है, उससे अच्छा होना मानता है। जितने पढ़ाई की जो है वो साइंस समझ के ले लो, खुद के अहंकार कम करो, ऑटोमेटिक उन्माद का असर जो होएगा, गलत असर हो जाएगा, वो होएगा नहीं। उन्माद किसका रखना मांगता है? उन्माद बुद्धि का होना मांगता है, तो लोग समझ सकते हैं ये बुद्धि का उन्माद नहीं है, ये तो धर्म बात अलग नहीं है, धर्म का संबंध कर्म से है, कर्म एक जगह है और धर्म की बात करेगा तो कैसा चलेगा, और मोक्ष की तो बात ही छोड़ो। सब अभी तो बाकी कुछ नहीं है, ये तो समझना मांगता है। अभी जो कोरोना का लस आ गया, जो अपना वैक्सीन आ गया, कोई बाबा बिबा ने कहे अधिष्ठान करके या यज्ञ करके उसमें से निकाला नहीं है, कोई बाबा तंगड़ी ऊपर करके 3 महीना हिमालय में बैठा और हाथ में से लस निकाल वैक्सीन निकाली, ऐसी नहीं हो गई, इतना तो समझ ले लो, बाकी तो छोड़ दो ना। इतना ना समझ लोग है, उनके पीछे लोग पहते हैं तो उनका नाश होने वाला ही है ना, हमारा नाश करके उनका नाश टलने वाला ही नहीं, लेकिन ये आदत है वो बुरी है, उनका असर समाज में पड़ता है, समाज सहन करने वाला नहीं। मुझे 100% सर मालूम है, अपने जैसे और हमारे जैसे विचार करने वाले हम सोचते हैं उससे ज्यादा लोग है, लेकिन हम प्रोफेशन में है, आप एक्टिविस्ट करके है इसलिए आप काम करते, इसलिए सामने आते, लेकिन बहुत से लोग जैसे दारू पीने वाले लोग होते हैं ना, एक अड्डा बंद करने के बाद दूसरे दारू ढूंढते हैं, उसको समझो एप्पल की वाइन नहीं मिलेगी तो दूसरा और कुछ दूसरी वाइन दारू मिलाएगा, ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, लेकिन ये घूमते घूमते आज बाबा तुमने ये बाबा बंद किया है, बंगाली बाबा अंधेरी का बंद कर दिया, वो 200 लोग उठते हैं और परल के बाबा के पास जाते, बढ़ते नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड जो होते हैं ना उससे निर्माण कुछ नहीं होता है, वो तो उतने उतने घूमते हैं, लेकिन अभी पॉलिटिशियन क्या करते हैं, दिखाते हैं ऐसे कि हम बहुत है, समझा कि नहीं, और डिजिटल का मिसयूज करते हैं और हवा करते हैं, मेन मीडिया उसको असर पड़ता है क्योंकि वो एडवर्टाइज देते हैं और कुछ ढंग से वो काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है एडवर्टाइजिंग का एडवर्टाइज के लेवल रहेगा, एडिटोरियल का एडिटोरियल का रहेगा, काम हो जाता है, किसी का ही प्रेशर नहीं आता है, हम खुद डरे तो लोग डराएगा ही आपको, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है कि उन्माद तो है ही, लेकिन अपना काम निराशा तो बात ही नहीं है, सामने प्रेक्षक नहीं रहेगा तो बोलेगा कौन, तो अपना काम लोगों तक पहुंचने के लिए और लोग ज्यादा मांगता ही है ना, करो तुम्हारा सत्यानाश करके ले लो, बाद में रियलिटी ध्यान में आएगा,
अब मैं अलग ढंग से मैं सोचता हूँ, मैं सुधारने की भी बात नहीं करता, मैं बात रखता हूँ के सामने। ऐसा होना नहीं मांगता है कि किसी ने बात नहीं की कभी। जर्नलिज्म में एक आदमी था, वो बात कर रहे थे, सोशल में भी कुछ आदमी थे, मानव थे, अपना दाभोलकर थे, और बहुत कुछ लोग हैं, वो भी काम अपने अपने ढंग से करते हैं। अपना सत्संग में भी अच्छे काम करने वाले भी मुझे मालूम है, समझा कि नहीं, कि इससे हटके काम करते, लेकिन उसको टीवी पे चैनल पे प्रसिद्धि नहीं देते हैं लोग। वो लोग काम करते हैं अध्यात्म का और कुछ को का थोड़ा बहुत जो उनको जानकारी है, उसके पॉजिटिव काम करने वाले भी लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं लोगों को। विज्ञान आने के बाद, समझदारी के बाद, आप अपना नेक्स्ट जनरेशन होता है उसको समझदारी से सिखाओ। आपका जो गलती है, वो जो गुलामी है, वो छोड़ के आगे जाओ, ऐसा मुझे लगता है। तो काम तो बहुत है, निराशा कम है, निराशा अभी नहीं है, ना के बराबर है। नहीं है बिल्कुल। मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ, हाँ तो अभी आप 62 साल की आपकी उम्र है, इतने सालों में आपने अभी तक जो आपका जीवन प्रवास रहा है उसमें आपने क्या खोया क्या पाया, इसका मूल्यांकन आप खुद कैसा करोगे? खोया ना, जो हम समझते थे कि जिनको ज्यादा जानकारी है, जिनको हम आदर्श मानते थे, वो जब भी जेम्स लेन प्रकरण आ गया, जब भी आप बात की अभी कि ब्राह्मणों के खिलाफ होता है, वो खो गए। लेकिन उसको मेरे को ये नहीं रहते, वो ढोंगी थे, क्या बोलता है उनको, डुप्लीकेट ही थे। उनका दिखाने का और एक्चुअल चेहरा अलग था, उसका डिटेलिंग में बहुत कर सकेगा, और मैं लिखने वाला भी हूँ उसमें, लोग कैसे ढोंगी थे, किधर तक आ गए, हम इतना अच्छा है, ऐसा मैं कभी नहीं बोला। लेकिन जितना है उतना तक मैं अच्छा किया है काम। लेकिन एक गया तो मेरे उसके सामने कम से कम 10,000 नए आदमी जोड़ गए। ऐसा नहीं बताता हूँ कि सब अच्छे हैं। जो पुरोगामी क्षेत्र बोलते हैं उसमें भी उस ढंग के ढोंगी आदमी लोग है, नहीं ऐसे नहीं है, सब क्षेत्र मानवीय स्वभाव का एक भाग ही है। तो मुझे लगता है कि अंत में हम कितने तक चॉइस करते रहेंगे, क्या खोया क्या पाया, मैंने क्या किया, जो करने का वो किया, मेरे उसको दुख नहीं लगता है, उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो करके ही मैं बात किया। और मेरे को घर से ज्यादा उसको सपोर्ट मिला, हर बात करने ने, घर में तो कुछ करने का नहीं था, लेकिन माँ बोलो, सिस्टर बोलो, और कुछ हमारे नाते संबंध है, किसी ने विरोध नहीं किया कि ऐसे तुम क्यों लिखते हो, ऐसे क्यों करते हो, ऐसे तुम टालते क्यों हो, ऐसा कभी अभी तक पूछा नहीं है। क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको उनकी मर्यादा समझ गई, और मैं काम करते हो झूठा नहीं है, दो नंबरी काम नहीं है, एक नंबरी काम है, एक नंबर से भी उसको नंबर के आगे काम है, वो नंबर का संबंध ही नहीं हो काम से, वो करना ही मांगता है। हर आदमी ने जिसको समझा उसने वो दिखाने का काम करना मांगता है। मुझे लगा कि वो किया, खोया तो कुछ नहीं है, क्योंकि मिलाने का ही नहीं था ना, क्योंकि मेरे को, मैं चित्रलेखा में काम करता हूँ, आज मैं 2 साल ज्यादा हो गया जर्नलिज्म में, ऐसे 2 साल कौन सा एडिटर को मिला है इज्जत से, कि जो आज मालिक भी बोलता है कि आप कॉपी करो, आप जाएगा तो हम बंद करेगा। ये पॉजिटिविटी, अपनी जवाबदारी हमें समझता है ना, उनको भी ऐसा लगता होगा ना, आज तक इतना किए तो और ज्यादा करो ना। लेकिन कहा ना कहा अपने को रुकने का, मुझे ऐसा लगा, मैं 60 साल का हो गया, तभी मैं ऐसा लिखा था कि मैं बड़ी मैराथन की, तो मैराथन जब भी होती है, समझा कि नहीं, जगह एज पर प्रोफेशन समझा, मैराथन जब भी होती है तभी खत्म जब भी होती है ना, तभी 2-4 राउंड ज्यादा ऐसा मारना ही पड़ता है दम लेने के लिए। तो 2 साल निकल गया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि सब गैदर होना मांगता है, और जल्दी जाने वाला नहीं है, कम से कम 140 150 का एज होने के बाद ही जाने वाला है। काम तो बहुत है, अभी सेकंड इनिंग है, ऐसा बोलो, सेकंड इनिंग नहीं है, अभी तो फर्स्ट इनिंग ही चालू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पाया, जो हम सीखा, वो लोगों तक पहुंचने का काम अपना है, वो करना मांगता है। एक प्रोफेशनली हम किया, मैं अभी जो एक को बात करते समय बोला कि जो को कीड़े लगाए, मनता हिंदी में
कोकिळेला हिंदी मध्ये काय म्हणतात? कोकिली बोलते हाँ, जो कोकिल जो होती है, जो हो वो गाती है, समझा कि नहीं? वो गाती है, लेकिन वो ऐसा अपने को लगता है वो गाती है, वो गाती नहीं, वो पेट के लिए बूम मारती है, आवाज देती है, उसका किधर लवर हो जाएगा तो उसको बुलाती है खाना खा, अपने को लगता है गाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक जो किया एज अ पत्रकार संपादक का, एक मेरे पास जो अधिकार था वो अधिकार में किया, एज अ ज्ञानेश माराव करके काम करना बहुत बाकी है, वो करना मांगता है, वो टाइम वेस्ट करना नहीं मांगता है, वो जल्दी जितना हो जाएगा उतना काम करेगा। मेरा शुरू ही है वैसा, नहीं ऐसा नहीं है, उसको और जोर से व्यापक करना मांगता है कि जिसमें 10 बहुत लोग सुना रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई किसने इंटरप्शन नहीं किया है, कभी कभी किसी ने धमकिया नहीं दी है, तो मुझे लगता है मैं राइट ट्रैक पे, क्योंकि मेरा एजेंडा नहीं है किसी का, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सोशल एजेंडा। ऐसा मुझे लगता है कि आप उन अच्छा समाज में रहना मांगता है, आप अच्छा समाज में रहेगा तो अच्छा अपने को अनुभव अच्छा आएगा। हम धर्म संस्कृति और समाज के लिए गलती है, गलत ढंग से काम करेगा तो हमारा वैक्सीन फॉरेन से ही आएगा ना, इधर से कैसा आएगा? हमारा ओरिजिनल कुछ ना कुछ मांगते हैं, हमारा वेपन्स है, आज हम राफेल बोलो या कुछ 400S की रशियन सिस्टम बोलो, हमें फॉरेन से लेनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजू बाजू में अच्छा रहेगा तो अच्छापन हमारा, ये राष्ट्र कार्य ही है ना, हम असली राष्ट्रभक्त है, हम जो राष्ट्र का काम करते हैं, राष्ट्र में राष्ट्रीय राष्ट्र स्ट्रॉन्ग बनाने का और लोगों को गुलाम बनाने का बात ऐसा नहीं, हमें भी क्वेश्चन लोगों ने पूछना मांगता है, जो बात नहीं है उसके ऊपर बहस मत करो, जो है उसके ऊपर बहस करो, इसको बोलते हैं आस्तिकता। ये लाइन पे मैं चलता हूँ और लोगों को, लोग भी आगे चलेंगे उसको मेरे को खात्री है, और आप जैसे काम करने, आप तो राह दिखाया है, अपना आपने तो हाईवे ही बनाया है, लोगों को खाली गाड़ी चलाने। एक्चुअल मेरा ये पहला इंटरव्यू है जिधर ओपनली मैं बात बहुत सी की, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने बात करेगा तो बहुत है, डिटेलिंग में छोड़ दी है, लेकिन डिटेलिंग कुछ करना पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि तो लोगों को डबल स्टैंडर लोग दिखना मांगता ही है, समझा कि लोग नीति का काम करते दिखाते हैं लेकिन अनीति का ऐसा करते वो बात अलग है, लेकिन लोग फंसते क्यों है? लोगों का अच्छाई के ऊपर विश्वास है, तुम अच्छा देना का कोशिश करो, अपना स्वीकार करेगा ना। अच्छा, वो दारू बेचने का है कि दूध बेचने का है? मुझे लगता है कि दूध बेचना ज्यादा कठिन है आज की तारीख में, और कल के तारीख में भी, तो दूध जाए जल्दी खराब हो जाता है, दारू जो है जितनी जूनी रहेगी उतनी उसको वैल्यू ज्यादा है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने को दारू का धंधा नहीं करने का, अपने को वैल्यू दूध को लाने के लिए, हम दूध खराब होने के पहला उसका दही बनाएगा, दही का छाछ बनाएगा, छाछ का नवनीत बनाएगा, उसका घी बनाएगा, और घी है वो 1800 किलो से बेचेगा, जो 2 दिन में खराब होने वाला चीज है मैं उसको घी बना के 2 साल तक बेचेगा उसका। अपना काम ऐसा है, आपका भी ऐसा ही है। अब आज के लिए हम नहीं, धंधा ही करने का है, लेकिन अच्छा धंधा करो ना, कुछ अच्छा सोचो ना। मुझे लगता है कि आपकी जो राह है और उस राह पे हम लोग चले आए, और राह बढ़ना मांगता है अच्छा ढंग से। और आपने जो बोला कि कुछ पर्सनल बातें बीते वो छोड़ दो, उसकी कुछ जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल बहुत अलग रहता है, अंत में तुम कागज पे क्या हो, दिमाग में आपका क्या हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, पर्सनल बातें वो फिजूल रहती है, उसमें विचारता में मेरे कुछ भी फर्क नहीं आया है, और कुछ में उसका उस लिए ऐसा कुछ से सोचना नहीं मांगता है, ये तो लोग गलत ढंग से, हाँ ऐसा कुछ है इसलिए उनको बोलने में गए, रोने के लिए कौन है? मैं जब भी राम रहीम को पकड़ा पकड़ा था तभी मैं आर्टिकल लिखा और कड़क लिखा था एडोटरी, तो हमारा हरीश केंची नाम के बम्बई पुणे के मेरा फ्रेंड है, अपना जर्नलिस्ट है, उसने फोन करके मुझे बताया कि आर्टिकल आपने लिया है लेकिन ऐसा कड़क नहीं लगा एकदम, नया ढंग से आप कुछ अटैक ज्यादा करना मांगता है। तो मेरी माँ थी, माँ 91 साल की थी, तभी उसने वो सुना, मैं बोला कि नहीं है ठीक है, कितना केसेस देने का, तो माँ उसके वो तभी बोली कि उनको बोलो
लिखने गए तो तुम लिखो, महाराव को माँ भी है ये ध्यान में रखो, समझा कि नहीं। तो हम लोग ये सब विचार छोड़ के हम लिखते हैं, कुछ कोई हमारे सामने है, कोई बाजू में है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बुद्धि को जो लगता है अच्छा ढंग से, जो अपने को जुना लोगों ने, संतों ने, सुधारकों ने, विज्ञानिक, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप जैसे कार्यकर्ताओं ने सामाजिक जो काम किया है, वो तो वेस्ट तो जाना नहीं मनता है ना, वो जाने की जब भी होती है तभी कोई ना कोई उठ के काम करेगा ही मुझे लगता है। लेकिन पत्रकारिता में होना मांगता है, मैं 32 साल चित्रलेखा में, मैं बोलेगा कि दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चित्रलेखा में कभी भी राशि चक्र यानी राशि भविष्य छापा नहीं 32 साल आज तक। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्यों ऐसा, मैं बोला कि हम वास्तव नहीं पूरे ढंग से दे सकता है तो लोगों का भविष्य को देने का क्या है, वर्तमान हम बोल नहीं सकते हैं, 100% लिख नहीं सकते हैं, हमारे उतने हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी लिमिटेशंस है, हम लेखन लिमिटेशन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू भी मुझे कर समझता है कि मैं वर्तमान नहीं बता सकता हूँ, कल क्या हो गया वो आज मैं बता सकता नहीं हूँ, तो भविष्य क्या हो जाएगा वो बोलने की मेरे को अधिकार क्या। मेरे को लगता है कि पत्रकारों ने इतनी भी लाइन रखेगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं मेरे ढंग से मैं वैसा काम किया, आपने बुलाया इसलिए आभार हूं मैं। ज्ञानेश महाराव जी, आपने कहा कि कोयल अपनी आवाज निकालती है, बोलती है, लोग उसको गाना समझते हैं। आपने बहुत अच्छी तुलना की। आपने इतने सालों तक पत्रकार इस बहाने जो काम किया उसके कारण पूरे महाराष्ट्र पर असर हुआ है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात आपने जो की वो भी बहुत महत्व की बात है कि ये सब वातावरण देखने के बावजूद, इस ढंग का वातावरण है, उन्माद है, इसके बावजूद आप उसको निराश अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि अभी सेकंड इनिंग है आपकी, बहुत ताकत से आप आगे जिएंगे और ये काम करते जाएंगे। ये सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। एक बात मैं कहूंगा कि भाषा की दिक्कत होने के बावजूद आपने बहुत विस्तार से सभी बातें रखने की कोशिश की। पर्सनल सवाल भी आपको पूछे गए, उनकी भी जवाब बहुत बोल्डली आपने दिए हैं। आपका इंटरव्यू सुनकर काफी लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी हम यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।